तेरी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर कंसल्ट क्यों किया? मेरी आंखें ही मेरी प्रॉब्लम है डॉक्टर, निकाल दीजिए। व्हाट? आपने जो सुना सही सुना, मैं अपनी आंखें निकालने के लिए ही आया हूँ। मैं हाथ जोड़ता हूँ डॉक्टर, निकाल दीजिए। उसे क्या सड़ा हुआ दांत समझ रखा है या फिर किडनी का कोई स्टोन? क्या ऐसे ऑपरेशन करके निकाल दूं? आंखें हैं आंखें, भगवान का दिया वरदान है। सबके लिए तो वर है, मेरे लिए तो श्राप है। जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मेरी आंखें कब आएंगी ऐसा इंतजार कर रहा था, लेकिन जब से देख सकता हूँ तब से कब निकालू ऐसा सोच रहा हूँ। ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई है, तुम्हारी समस्या क्या है? मैं बोलूंगा तो आप मानेंगे नहीं डॉक्टर, मुझे आप पागल समझेंगे। मैं तुम्हें अभी भी वही समझ रहा हूँ, तुम मुझे अपना प्रॉब्लम बताओ। अरे मैं डॉक्टर हूँ, ऐसे सॉल्व कर दूंगा, बोलो। 2 years back मैं अंधा था डॉक्टर, लेकिन फिर भी राजा की तरह जीता था। इसकी हेल्प करते हुए फोटो लेकर फेसबुक पर डालूंगा तो लाइक ही लाइक मिलेंगे। चलो भाई मैं रोड पार करवा दूं। मैंने पूछा क्या? मैंने पूछा क्या? मेरे साथ फोटो खींचकर फेसबुक पर डालना चाहते हो? ये पब्लिसिटी का शौक मेरे सामने मत दिखाना। मैं क्या तुमसे रोड पार करवाने के लिए यहाँ खड़ा हूँ? ओके। मुझे रोड पार करवाने वाले का नसीब अच्छा होना चाहिए। डिजाइन वो आ गई। अरे वाह क्या दिख रही है। वो मेरी है। सुप्रिया जी, सुप्रिया जी आप मुझे रोड क्रॉस करवा देंगी? रोज यही करती रहूं क्या? यहाँ पर किसी को भी ह्यूमैनिटी नहीं है। अरे आधे घंटे से मैं यहाँ खड़ा हूँ, कोई भी रोड क्रॉस करवाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए आपसे कह रहा हूँ। चलो वैसे तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो मैं आपका साइज भी बता दूंगा। जरूरत नहीं है। जोक कर रहा हूँ। क्या चालू चीज है? सुप्रिया जी हम दोनों कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है? What? अंधे आदमी को रोड पार करवा रहे हो क्या? अबे साले तू गया नहीं, अब तक तू गया नहीं क्या? सुप्रिया जी आपका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना? How do you know? अगर होता तो आप उसके साथ बाइक पर बैठती, बस स्टैंड पर क्यों आती थी? मेरी सैलरी 18,000 है, कटिंग होकर हाथ में 15,000 तो आई जाते हैं। आंखों के लिए ऑलरेडी 2-3 अस्पताल में तो बोलकर ही रखा है। अगर कोई देने वाला होगा मुझे फोन आ जाएगा और मुझे आंखें भी मिल जाएंगी। और अभी तो मैं चिटफंड में भी पैसे भर रहा हूँ, 50,000 की FD है और 20,000 की। अगर आप हाँ बोलेंगी तो पहली FD शादी के लिए और दूसरी अपने हनीमून के लिए विड्रॉ करा लूंगा। क्या ख्याल है आपका? ए अंधे हो इसीलिए रोड क्रॉस करवा रही हूँ तुम्हें? ज्यादा बकवास की ना तो पटरी पर ले जाकर छोड़ दूंगी तुम्हें। ओह रियली? इट्स फैंटास्टिक, मार्वेलस, बार्बेरियस, थैंक यू वेरी मच। इडियट, क्या जिंदगी है यार। अबे क्या बोल दिया, लड़की निकल ली? अरे उसने प्रपोज किया था, मैंने रिजेक्ट किया। तूने? चला बहुत बोल रहा है, शो का टाइम हो रहा है, चल चल निकल। गुड मॉर्निंग वैजाग, आप सुन रहे हैं रेडियो 92.7 बिग एफएम, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। मैं हूँ तुम्हारा लव डॉक्टर। किसी के लव में प्रॉब्लम हो रही है, किसी को प्रपोज करने की हिम्मत नहीं हो रही है तो फिर लेट क्यों कर रहे हो? मुझे कॉल करो, मैं आपको रास्ता बताऊंगा जल्दी। खुद को रास्ता दिखता नहीं चला दूसरों को रास्ता दिखाने। देखा कैसी बात कर रही है। हेलो आप कौन बात कर रही हैं? मैं सपना, आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है गौतम। मैं तो डबल खुश हूँ गौतम, मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम है। डोंट वरी, सॉल्यूशन मेरे पॉकेट में है। पॉकेट में? अच्छा एक बात बताओ, कभी आपने ताजमहल देखा है? पहले तू तो देख ले। 25 बार देख चुका हूँ, इनफैक्ट जब भी देखता हूँ तो उसमें कुछ नया ही दिखता है। ए, ये क्या फेंक रहा है, कितना झूठ बोलता है ये। अपना काम करना भाई। ओके सपना तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रपोज करने में डर लग रहा है, मेरी हेल्प करो। डेफिनेटली इसका एक ही सॉल्यूशन है, बॉयफ्रेंड के पास जाओ, अपनी आंखें बंद करो और सब बता दो। आंखें बंद करके? यस, क्योंकि आंखें बंद तो अंधेरा होगा, अंधेरा होगा तो हिम्मत आएगी, हिम्मत आएगी तो ताकत आएगी और आप सब कुछ बता दोगे। बकवास सही है, ये इसका एक्सपीरियंस है, कितने कॉन्फिडेंस के साथ फेंक रहा है देखा तुमने। ओके सपना ऑल द बेस्ट, अभी तुम सबके लिए लवली सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ, एंजॉय। जिंदगी एक पल, आप देखो क्या करता हूँ। ये सच में अंधा ही है ना? ये बॉटल यहाँ किसने रखी है? अबे देख के तू फेंका कर, अपनी आंखें दे दे तब देखेगा ना वो। कैसे जान लिया कि उसने पैर बीच में रखा है? अबे उसे पैर बीच में रखना पता है लेकिन सॉक्स धोना पता नहीं है। हेलो, थैंक यू सर, अभी आ जाऊंगा। ए हॉस्पिटल में कोई हार्ट अटैक का केस है, मुझे आंखें मिलने के चांसेस है, ऐसा क्या जाकर देख के आते हैं। आओ इधर से, इतना बड़ा हार कुछ ज्यादा नहीं हो गया? जाते जाते बेचारा अपनी आंखें दे रहा है तो उनके लिए हार क्या, फूलों की पूरी दुकान भी कम पड़ेगी। पहले वो मरे तो। ओ जीसस,
अब मैं उसके बिना कैसे जी पाऊंगी? लगता है मर गया। चलो चलकर सहारा देते हैं। How can I live? आंटी, past is past. जो हुआ सो हो गया। आगे क्या करना है सोचो। अगर कॉफिन मंगवाते हैं तो उनकी आंखें निकालने के बाद उनको उसमें पैक करेंगे। Hey, what are you talking, man? अंदर उनका ऑपरेशन चल रहा है। अंकल अब तो गए नहीं? आंटी, आंटी, संभाल के, संभाल के। Hey, चुप करना अभी। Oh my God. Sorry, आंटी। आंटी, आपकी शादी होकर कितने साल हो गए? अब तक हमारी शादी नहीं हुई। We are still living together, पर बहुत जल्दी करने वाले हैं। अब शादी करके क्या फायदा? तुझे क्या करना है? आंटी, yes? अंकल की आंखें तो खराब नहीं हुई ना? No, उन्हें अब तक चश्मा भी नहीं लगा। सुई में आराम से धागा डाल लेते। क्या बात है, ऐसी आंखों के लिए दिन भर वेट करूंगा तब भी कोई गलत नहीं है। ठीक है, तू बैठ 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 बैठ। जीसस, जल्दी से अगर मेरा काम कर देंगे तो चर्च में 100 कैंडल्स जलाऊंगा। ओह माय गॉड, अगर थॉमस को बचा लिया तो 10,000 कैंडल्स जलाऊंगी। इनकी बात मत सुनो जीसस, अगर मुझे आंखें मिल गई तो मैं पैदल चर्च तक चल कर आऊंगा। मैं डायरेक्ट जेरूसलम जाऊंगी। एक काम करो, दोनों मिलकर साथ ही उनके पास ही चले जाओ। गॉड ब्लेस माय थॉमस। नथिंग टू वरी, ही इज आउट ऑफ डेंजर। थैंक यू डॉक्टर। सुना तुमने, मेरा थॉमस बच गया। Let us go and see. I can't see. पहले you go and see. So, thank you, Jesus. Happy married life, auntie. Hey, Gautam. भगवान, मुझे लगा था आपकी सिर्फ आंखें ही नहीं है, लेकिन आपके पास तो कान भी नहीं है। क्या हुआ बे? हमें खाने के लिए चिप्स, पीने के लिए दारू सब दिया है ना, और चखने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए चुप रहे। 25 साल से भीख मांग रहा हूँ, उन्हें सुनाई नहीं देता है क्या? अरे, मेरे और कोई सपने ही नहीं है क्या? एक लड़की, दो आंखें, 3 बच्चे और 60 साल की जिंदगी, ये भी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही है यार। छे, तुझे एक बात बताए क्या? क्या है बोल। सुबह ट्रैफिक में वो लड़की, वही परफ्यूम वाली लड़की। हाँ, उसी लड़की ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। और सिर्फ वही लड़की ने, मेरी आंखें ना होने की वजह से सभी मुझे रिजेक्ट कर दिए। आंखें नहीं रहेगी तो देख नहीं सकता, लेकिन प्यार तो मैं कर ही सकता हूँ ना। अभी चुप हो जाए यार, तेरी आंखें आ जाए ये अपने हाथ में नहीं है, लेकिन उसके दिल में प्यार जग जाए ये अपने हाथ में है। हाँ यार, अब तक तो प्यार के नाम पे तू टाइम पास करता था, पहली बार दिल दिया है तूने, लाइफ सेट हो जाएगी। तू नजदीक आ। हाँ। तेरी तो क्यों, अभी जब इंसान ही नहीं दिख रहा है तो फिर दिल कहाँ से दिखेगा? अरे सब हो जाता है यार, अभी तू लड़कियों को जानता ही कहाँ है। जब लड़की किसी से प्यार करती है ना बेटा, तो वो ये नहीं देखती है कि गरीब है अमीर है कि तेरी तरह अंधा है। अगर ऐसी लड़की मिल गई तो तेरी लाइफ पलट जाएगी। मैं बोल रहा हूँ लिख ले, और ये मत सोचना कि ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही होता है बेटा। अबे जल्दी चल, जनता बार बंद हो जाएगा। अच्छा सोच रहा हूँ जनता बार की जगह कहीं और चले गए। पहले अपनी गाड़ी स्टार्ट कर। ए, क्या हुआ? गाड़ी में कुछ दिक्कत है, मैं देखता हूँ। एक्सक्यूज मी, एनी प्रॉब्लम? लिफ्ट चाहिए क्या? और ये मत सोचना कि ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही होता है बेटा। थैंक यू। हाँ, अबे चलना। हाँ? और बाइक करेंगे तो यहाँ सुबह ले लेना। ठीक है, आइए। थैंक यू जी। तो, अरे वेरी नाइस, ये कार का कलर आपकी टेस्ट है। हाँ। मुझे ये कलर बहुत पसंद है। कौन सा कलर है? रूम पर जाने के बहुत बताता हूँ। चल चल पीछे बैठ, चल। अरे बैठ रहा हूँ यार, मुझे मारते समय इसका निशाना सही बैठता है। कहाँ जाना है? जनता बार सोच रहे थे। वो गाजुआ सेंटर के पास छोड़ दीजिए। आप लोगों ने ड्रिंक किया है ना? थोड़ा थोड़ा थम्स अप किया है। और इसके अंदर विस्की मिलाई होगी। मैं तूने मिलाई क्या? सच बोलना। वैसा कुछ नहीं है। देखो नाटक मत करो, पीकर चलाओगे तो तुम्हें ही नहीं सामने आने वाले के लिए भी खतरा है, इसीलिए लिफ्ट दी। अच्छी सोच वाली लड़की है यार। इसके बारे में मत सोच। पियोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? बियर पीने से अच्छा है पानी पियो, वाइन पीने से अच्छा है पाइनएप्पल जूस पियो। बहन जी, बियर में 80% पानी रहता है और वाइन में 75% जूस, अब पी लिया तो क्या गलत? गलत है बे। वो बोल रही है ना। वी आर वेरी सॉरी जी। तुम लोगों का प्रॉब्लम मैं समझ गई हूँ। तुम्हारी दारू छुड़वाने के लिए मेरे पास अच्छा आईडिया है। क्या है? एक बैड हैबिट निकालने के लिए एक गुड हैबिट को शिफ्ट करना होगा। वैसे ही अगर ड्रिंक्स को भुलाना है तो एक अच्छी सी लड़की से प्यार कर लो, तभी तुम्हारी ड्रिंक का कंसंट्रेशन पूरा लव के ऊपर डाइवर्ट हो जाएगा। हो गया। हाँ? समझ जाओ। ये तो गया। बहन जी, आपको मालूम नहीं पड़ रहा है क्या? क्या इसने थोड़ा ज्यादा पी लिया ना? अबे चुप बैठना। आप बोलिए ना।
कभी भी पीने का मन करे तो अपनी आंखें बंद करो और उस लड़की को याद कर लो। लाइफ में बॉटल को टच नहीं करोगे। आपका आइडिया एकदम अच्छा है। आप लोगों को यहीं उतरना था ना? अब इसकी तो इतनी जल्दी पहुंच गए, दूसरा कोई नाम बताना चाहिए। कश्मीर बोलना चाहिए था ना। चलो तर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक्स बहन जी। टाटा टाटा। हमें याद रखिएगा, बहुत अच्छी लड़की है। अबे कार नंबर नोट कर, कार नंबर नोट कर। तो कर लिया है। क्यों? प्यार करने के लिए। प्यार करने के लिए? अबे हाँ यार, मुझे आंखें नहीं है तो सब लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया, इसलिए अब मैं ऐसे दिखाऊंगा कि मैं देख सकता हूँ, मेरी आंखें हैं। तो कैसे बे? बताता हूँ। सबसे पहले तो उस लड़की का ऑफिस, कॉफी पीने के लिए रेस्टोरेंट और जॉगिंग करने के लिए पार्क, सबके फुल डिटेल्स चाहिए। क्या भाई हॉस्पिटल में लेकर आया? कोई मुझे आंखें देने के लिए ऊपर चला गया क्या? असली बात बताऊंगा तो चला जाएगा तू। वो लड़की यही आंखों की डॉक्टर है। अच्छा, वो आंखों की डॉक्टर है तो हम भी तो लव डॉक्टर हैं। अपनी तो पूरी डॉक्टर फैमिली लगती है यार। जैसे तुम्हारा एमबीबीएस है, एक तो तेरी आंखें नहीं है, ऊपर से आंखों के डॉक्टर को पटाने में लगा हुआ है। बंद कर तेरे सपनों की कहानी, तेरी आंखों से तू ही देखेगा, टेंशन मत ले। पहले इस हॉस्पिटल का ब्लूप्रिंट चाहिए। ये हॉस्पिटल पूरे 5 एकड़ में है, 5 दिन लगेंगे पूरा घूमने में। इधर बाथरूम है, इधर फार्मेसी है, ऊपर हड्डी टूटती है, नीचे आंख तोड़ते हैं और बीच में मार भी डालते हैं। समझ गया। राइट में बाथरूम है और लेफ्ट में फार्मेसी। मैं फार्मेसी जाकर अब ये क्रोसिन टैबलेट लेकर आता हूँ। बस सही। अब सारे जाना। देखिए नहीं चलते। सॉरी सॉरी। उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा। किसने यहाँ पर डस्टबिन रखा है यार? स्वच्छ भारत के लिए हॉस्पिटल ने रखा है, इसकी भी डिटेल चाहिए। चलना। ये हॉस्पिटल का कैंटीन है। मेरे बोलने से पहले हिल मत, वो रोज यहीं लंच करती है। लेट्स प्रैक्टिस। ओके ओके डन। मैडम ये रिपोर्ट देखिए। मेरे रूम में रख दो, मैं आकर देखती हूँ। ओके मैडम। हेलो मम्मी। बेटा तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए लड़का देखा है, वो तुमसे मिलने हॉस्पिटल के कैंटीन में आ रहा है, उससे मिल लो बेटी। मुझे शादी की क्या जरूरत है? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। शादी के नाम से डरती क्यों है? किसी से प्यार करती है क्या? मुझे बता, मैं सेट कर दूंगा। शट अप, फोन मुझे दे। सुनो नेत्रा, तू उस लड़के से जरूर मिल लेना, नहीं तो तेरे पापा मुझे डांटेंगे बेटा। ठीक है। अबे मुझे टेंशन हो रही है। समझ गया ना, मैं परफेक्ट हूँ। सीक्रेट टेम्पटेशन, वो आ गई। तू तो डॉग स्क्वाड से भी डेंजर है। तू ब्लूटूथ में ही लाइन में रहना। ओके। और कोई गलती मत करना। तो भाग जाओ क्या? इन्फॉर्म करता रहे। अच्छा अच्छा। फिलहाल थोड़ा दूर रहे। चल। हाय गुड मॉर्निंग, आपका लव डॉक्टर गौतम आ चुका है। मैं भी आ गया हूँ। तू क्यों आया? वो लड़की कब की यहाँ से निकल गई? अपना एफएम जाके वहाँ बजा। कहाँ चली गई यार? उस तरफ। किस तरफ? चल ना। नेत्रा। राजेश, सोचा था घर वालों की पसंद बहुत सीधी सादी होगी, मगर तुम तो बहुत हॉट हो। क्या हुआ, शौक लगा क्या? मैं बहुत खुले विचारों का हूँ और खुले खुले लोग मुझे बहुत पसंद है। अगर हमें क्लोज होना है तो हमें खुलना होगा। अब खुलम खुला बताओ, मैं कैसा लगा? बहुत ब्लैक हो। ए, ब्लैक हो तो क्या हुआ? हाँ, ब्लैक चीप होता है क्या? ब्लैक मनी पसंद है, ब्लैक मैन पसंद है तुम्हें? हाँ सॉरी। कंट्रोल राजेश, कंट्रोल। चलो छोड़ो, खुल के बात करो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। ऑर्डर सर। हाँ, तुम्हें क्या चाहिए, खुल के बोलो। चॉकलेट आइसक्रीम। चॉकलेट खाओगी? बच्ची हो क्या, दांत खराब हो जाएंगे, कुछ और मंगाओ। ऑर्डर कैंसिल। वन चॉकलेट आइसक्रीम, 2 स्पून्स। ओके सर। तुम मेरे बारे में जानती नहीं हो क्या? वो लड़की तेरे राइट में है। आपको ही? ये यहाँ। आई एम गौतम, मैं इसका बॉयफ्रेंड। इसके घर वालों को मैं पसंद नहीं हूँ, और अगर पसंद ही नहीं हो तो वो लव क्या है ब्रो? मैं भी तेरी तरह बिल्कुल खुला खुला रहता हूँ। वैसे इससे शादी करने वाला तू ही है ना? कांग्रेट्स। मेरे गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ बोलना मत, वो बहुत ही अच्छी है ब्रो। एक बार मुझे फीवर आया था तो 5 डेज मेरे घर में मेरे साथ ही थी, पता है ना? 5 दिन रही थी खुल्लम खुल्ला घर में, बार बार आने जाने का मैट्रिक क्लोज कर दिया।
टूर के बारे में बताता हूँ। इसे गोवा बहुत पसंद है। 3 महीने में एक बार भी ना लेकर जाओ तो ये रूठ जाती है। ये सब मेरा प्लान है, तुम टेंशन मत लो। शादी होने के बाद तीनों मिलकर प्लान बनाएंगे। हाँ, तीनों मिलके? यस। तुम ऐसे दिखाओ जैसे तुम इसके हस्बैंड हो, खुल्लम खुल्ला, और मैं इसका बॉयफ्रेंड बनकर रहूंगा, खुल्लम खुल्ला। ए छी छी छी, इतनी गंदी बात तो आज तक किसी ने सोची नहीं होगी। तो एक बार सोच लो ना। ए छी, सुन के ही उल्टी आ रही है। अरे खुल के बोलने के लिए कहा तो इतना खुल गई। मैं जा रहा हूँ। ब्रो ब्रो ब्रो, अरे एक बार सोचो तो सही। चुप रह। Thank you. You helped me a lot. It's okay. वैसे मेरी प्रॉब्लम तुम्हें कैसे पता? थोड़ी देर पहले तुम्हें फोन पे बात करते हुए सुना। Oh, okay, okay. तुम यहाँ कैसे? आपने तो कहा था ना कि कोई अच्छी लड़की देखकर मैं उसे प्यार करूँ। तो कोई मिल जाएगी सोचकर मैं यहाँ पे आ गया। अबे लड़की उड़ गई बे। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे उससे बचा लिया। By the way, I'm Netra. अबे हाथ मिला रही है तुझसे। गुड मॉर्निंग वैजाग। अगर आपको चोट लगी है तो डॉक्टर से कंसल्ट करो, अगर प्यार में चोट लगी है तो इस लव डॉक्टर से कंसल्ट करो। अभी आपके लिए लवली सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ, एंजॉय। ए, खुद की तो ट्यूबलाइट बंद है और दूसरों के मामले में उंगली करता है ये। हेलो नेत्रा, मैं किशोर बोल रहा हूँ। गौतम प्रोग्राम में है। थोड़ा अर्जेंट है, क्या जल्दी से बीच के पास आओगे? ठीक है, आते हैं, बाय। कौन है बे? गर्लफ्रेंड थी? हाँ बे। ए, इस अफ्रीकन फेस की भी गर्लफ्रेंड हो सकती है क्या? मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, गौतम की गर्लफ्रेंड। ए, ये तो आठवां अजूबा हो गया। अरे तुझसे तो एक बार लड़की पट भी जाए, मगर इसने कैसे पटाई? अबे चुप ना, उस लड़की को भी गौतम में बहुत इंटरेस्ट है। आज के लड़कियों को क्या हो गया, लंगूर के हाथ में ही अंगूर क्यों आ जाता है? मुझ में ऐसी क्या कमी है कि मुझसे लड़की नहीं पटती? क्यों बे सुदर्शन, किस पर चल रहा है तू? हाँ इसका तो काम ही यही है। अरे नेत्रा ने फोन किया था। क्या बोली? हम दोनों को अभी बीच पर बुलाया है। अरे तो चलो फिर। हाँ तुम यही रुको, मैं ये प्रोग्राम की लिस्ट देकर आता हूँ। हाँ जल्दी आ जाना। हाँ आता हूँ। वाटर सर। अरे सॉरी यार, गीला हो गया क्या? अरे वो पानी नहीं था, गरम कॉफी थी। अरे तो वो भी तो पानी है, सूख जाएगा। कैसे पता चला इसे? ओके थैंक यू। हाय हाय, क्या बात है, अचानक बुला लिया ऐसे? पहले बताया होता तो प्रिपरेशन करके आते ना। प्रिपरेशन? तो ऑफिस से लीव लेकर आ जाता ना। हाँ। वैसे यहाँ पर क्यों बुलाया? हमारे हॉस्पिटल ने आई डोनेशन कैंप लगाया है। ओह वेरी नाइस। पर यहाँ कोई भी आई डोनेशन के लिए आगे नहीं आ रहा। पहला नाम आपका लिखूंगी तो लोग इंस्पायर होकर आएंगे। इसीलिए बुलाया है तुम्हें। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है, दे देंगे ना। बेटा आंखें देने को बोल रही है। आंखें जरूर दे देंगे। अबे आइसक्रीम नहीं है तो दे देगा, आंखें है तेरी। आज नहीं तो कल आ जाएंगी ना, जाते वक्त उसे रखकर क्या करेगा, वापस लौटा देंगे तो हिसाब बराबर। चल तेरा नाम भी लिखा दे। थैंक यू, साइन करो। अब पहले तू कर। ओके। ये पेन। थैंक यू सो मच। देखा आपने कितना आसान है ये डोनेशन। अब तो आप लोग आगे आइए आई डोनेशन के लिए, कुछ नहीं होगा। अरे कैसे नहीं होगा, चाहिए तो 1000-2000 डोनेशन ले लो, आंखें कौन दान करेगा? कौन बोल रहा है ऐसा? जिसकी आंखें नहीं है वो अंधा नहीं है, बल्कि तुम लोग अंधे हो जो आंखें रहकर भी इस तरह सोचते हो। हर कोई हम क्यों दें ऐसा ही सोचते हैं, इसलिए आज का जमाना ऐसा है। नहीं तो अंधे लोग कब की दुनिया देख चुके होते हैं। मरने के बाद जो मिट्टी में मिल जाएगा उससे इतना प्यार किस लिए? एक अंधा पैदा होता है तो उसे हम नहीं रोक सकते, लेकिन वो अंधा ना रहे ये तो हम कर सकते हैं। याद रखना इस बात को। वाओ, आंखों के बारे में क्या अच्छी बात कही, वो तो प्यार में पड़ गई होगी। मतलब सर, पेशेंट को अंदर भेज दूं क्या? मत भेजना, किसी को भी मत भेजना, सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल। ओके सर। ए गीता। सर। तुम भी मत आना। ओके सर। इंटरेस्टिंग, कंटिन्यू करें। ए लोकेशन कॉफी शॉप है। कॉफी शॉप में क्यों लाया है मुझे? सरप्राइज, तुम यहाँ बैठो, मैं भी आती हूँ। ओके आई विल बी बैक। सरप्राइज? ए राइट में जा, राइट में जा। क्यों, लेफ्ट में नहीं बैठना है क्या? क्यों नहीं, वो लड़की मान जाती है तो उसकी गोद में बैठ जाना। ओह अच्छा। हाय। गुड मॉर्निंग मैम, जैसे कहा वैसे ही डिजाइन किया।
वाओ सुपर ऑल द बेस्ट थैंक यू दिस इज फॉर यू कॉफी तो बाद में पी लूंगा पहले सरप्राइज क्या है वो बताओ ना वो क्या है वो ये कॉफी ही बताएगी कॉफी बताएगी मतलब मुझे क्या पता मैं तो वहां से बहुत दूर खड़ा हूं बे वेस्ट कॉफी वेस्ट है वर्स्ट वर्स्ट है पूरा झाग ही है ये क्या हो रहा है मतलब पसंद नहीं आया बिल्कुल नहीं तुम्हें मेरा सरप्राइज पसंद नहीं है ना मैं जा रही हूँ गुड बाय गुड बाय अरे कहाँ जा रही है नेत्रा नेत्रा अबे क्या किया वो लड़की बिना बिल भरे जा रही है मैंने कुछ नहीं किया बस कॉफी पसंद नहीं है ऐसा बोला आपने क्या किया सर मैडम आपके लिए प्लेट में आई लव यू लिखकर लाई थी और आप वही कॉफी शक्कर डालकर पी गए कॉफी पर आई लव यू लिखा था अरे डायरेक्ट मुंह से बोलना चाहिए था ना ये सब करने की क्या जरूरत थी भगवान ने इतनी बड़ी बड़ी आंखें दी है नीचे देख नहीं सकते आप अबे इसे सच्चाई बताओ उसकी ट्यूबलाइट फ्यूज है नेत्रा 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 सॉरी नेत्रा मुझे बदलने के लिए किसी अच्छी लड़की से प्यार करने के लिए बोला था ना वो लड़की तुम ही हो आई लव यू हे हु आर यू व्हाट इज दिस मुझे आई लव यू क्यों कह रहे हो सॉरी मैडम अबे सेम परफ्यूम है तो नेत्रा ही होगी क्या सॉरी मैडम इसे दिखाई नहीं देता है ओह इट्स ओके ये देख नहीं सकता पहले चश्मा उतारो तुम ब्लूटूथ निकालो तुम अंधे थे और मेरे साथ घूम रहे थे पर मैं तुम्हें नहीं पहचान पाई मैं कितनी बेवकूफ हूँ एकदम सही कहा आखिर डोनेट करोगे तुम उस दिन इसी की वजह से इतने लोगों ने डोनेट किया तुम तो चुप ही रहो तुम्हारी वजह से चीट किया है ऐसे घूम रहा था जैसे सब कुछ देख सकता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट सिस्टर जब कोई बड़ा लोकेशन होता था तो हम एक दिन पहले जाकर वहाँ प्रैक्टिस करते थे और अगर लोकेशन छोटा हो तो ये ब्लूटूथ है ना ऐसा है इसका कोच बनकर मैंने बहुत तकलीफ उठाई है इसे मारने की क्या जरूरत है मैंने जो भी किया तुम्हारे प्यार के लिए अब पकड़े गए तो कवर कर रहे हो नहीं मैं सच बताने ही वाला था लेकिन उससे पहले बस करो मुझे और बेवकूफ मत बनाओ मैंने इतना झूठ बोला तो तुमने मान लिया और सच बोलता हूँ तो मानती नहीं हो लड़कियाँ ऐसी होती है दिमाग नहीं होता गलती तुमने की और ब्लेम मुझ पर कर रहे हो क्यों अंधे होकर भी कितना घमंड है तुम्हें क्या कहा मैं अंधा तो बहुत बार नीचे गिरा हूँ लेकिन कभी दर्द नहीं हुआ लेकिन अब बहुत दर्द हो रहा है चल चलते हैं मैं बहुत अनलकी हूं यार अंधा हूं सोचकर माता पिता बचपन में ही मुझे छोड़कर चले गए दोस्तों को आंखें मिली तो उन्होंने भी मुझे छोड़ दिया और अब इसने भी मुझे छोड़ दिया ए, तू इतना दुखी क्यों हो रहा है तेरे जैसे इंसान को मिस किया दुखी उसे होना चाहिए ए, मुझे आंखें मिलेंगी ना या फिर मैं लाइफ लॉन्ग ऐसे ही रहूंगा हाय नेत्रा किशोर तुम अर्जेंटली हमारे हॉस्पिटल में आओगे May I come in, sir? Come in. Sir, look at this file. ये आँखें मेरे फ्रेंड को डोनेट करे तो अच्छा रहेगा। Sorry, नेत्रा। इन आँखों के लिए बहुत लोगों ने एप्लीकेशन डाले हैं। ये तो तुम भी जानती हो। I know, sir, but आपको ही मेरी हेल्प करनी होगी। I need to answer so many people. Okay. Thank you so much. वो बन गए क्या? डन। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। मगर ये सब मैंने किया, ये गौतम को मत बताना। क्यों नहीं? बाद में बताऊंगी। यस, यस, वो देख पाएगा। अरे रुको 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 रुको। ए, मुझे आंखें मिलेंगी? ये यकीन नहीं हो रहा है। एक बात बता, यहाँ के सारे डॉक्टर्स ठीक हैं ना? परफेक्ट है। हॉस्पिटल पर कोई केस तो नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं है बे। चलो अच्छा है। ए, करंट गया तो जनरेटर है ना? अरे है यार। ए, रुक, 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 रुक। ए, वो ऑपरेशन थिएटर में सब कुछ साफ रखने के लिए बोल दे। ए, वो एमएलए अपनी जान पहचान के ऐसा बोल दे तभी ये लोग डरेंगे समझा?
अबे सामने से बुलाकर वो तुम्हें आंखें दे रहे हैं, मुंह बंद कर अपना। सॉरी डॉक्टर। यस। मैं देख सकूंगा, ये गारंटी तो है ना? हाँ हाँ जरूर आ जाएगी। आंखें नहीं है इसलिए, एक लड़की ने मुझे छोड़ दिया डॉक्टर। हाँ हाँ, लेकिन आंखें मिलते ही उससे ज्यादा खूबसूरत लड़की ले जाकर उसके सामने घुमाऊंगा। अभी समझी, अगर मुझे नहीं दिखा तो जिंदगी भर नहीं दिखेगा। वन मिनट। दैट्स गुड। अब धीरे धीरे आंखें खोलो। हाँ खोलो। अरे बाप रे, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये क्या, ये क्या? तुम सब लोगों ने मुझे धोखा दिया। मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं पूरे हॉस्पिटल में केस कर दूंगा। किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी एक डॉक्टर को भी नहीं छोड़ूंगा, पहले ही बोल देता हूँ। यहाँ हमें भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये डार्क रूम है। आंखों में तेज रोशनी लगने से आंखें खराब हो जाएंगी। डॉक्टर आओ, पुट ऑन द लाइट। ओके सर। अब धीरे धीरे आंखें खोलो, स्लोली। गुड। अभी दिख रहा है? दिख रहा है डॉक्टर, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। वेरी गुड। अरे यार, पहचाना मुझे? मैं तेरा फ्रेंड किशोर। अबे किशोर, तू इतना गंदा दिखता है। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, मुझे आंखें मिल गई, मैं देख सकता हूँ। अरे आजा मेरे गले में, आजा मेरे दोस्त, मैं देख सकता हूँ। मुझे आंखें मिल गई, मुझे आंखें आ गई, मुझे आंखें मिल गई। तू ज्यादा खून मत, ताजी आंखें नीचे गिर जाएंगी। अबे सीमेंट लगाया होगा ना किसी के लिए। वो गाड़ी मेरा और उसका क्या संबंध है? वो सपना था, भूल जाओ उसे। अब वो 999 नंबर वाली गाड़ी पता नहीं समय कहाँ होगी, और पता नहीं होगी भी या नहीं। सच कह रहा है? और नहीं तो क्या। ठीक है। मेरे बेटे के नाम से पूजा कीजिए। क्यों आए हो यहाँ पे? मंदिर क्यों आते हैं सर? माथा टेकने। आप तो जानते ही हैं ये भगवान कितने पावरफुल हैं। एक साल पहले मैं स्मगलिंग करता था, इसलिए कस्टम ऑफिसर ने मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया था। तब मैंने इस मंदिर में पूजा करवाई, एक हफ्ते के अंदर इन्होंने उसको बुला लिया। इस बार आपने मेरा माल सीज करवाया है, इसलिए आपके नाम की पूजा करवाने आया हूँ। अगर काम हो गया तो बकरे की बलि दूंगा, और अगर नहीं हुआ तो। क्यों बे, धमकी दे रहा है? तुझे देखकर मैं क्या, मेरा 4 साल का बच्चा भी नहीं डरेगा। वो तो सिर्फ 4 साल का है, मुझे नहीं जानता इसलिए वो मुझसे नहीं डरता। लेकिन तुम तो 40 साल के हो और मेरे बारे में जानते भी हो, इसलिए तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। जा यहाँ से।
अबे आंखें तुझे भगवान ने दी, बाइक तुझे मैंने दी, फिर परेशान क्यों कर रहा है? इतने दिनों का गैप कवर कर रहा हूँ। अरे बाप रे, सॉरी। ने मुझे आंखों के साथ एक परी भी दे दी है। उधर देख, आंखें आते ही लाइन मारना शुरू कर दिया। अच्छा वो ना तो मार दूंगी। बोलना कैसी है? एनी ट्रबल? गैस्ट्रिक का ट्रबल है, चल निकल यहाँ से। चलो निकलो यहाँ से। ऐसे ही खड़े हो जाते देखने के लिए। सॉरी यार, मेरी ड्राइविंग तो परफेक्ट है लेकिन मेरे दोस्त को पीछे ठीक से बैठने नहीं आता है। वैसे आपको चोट तो नहीं लगी ना? आवाज सुनकर वो पहचान लेगा। गूंगी हो? हाँ गूंगी है। अब तू गूंगी के साथ क्या करेगा? चलना यहाँ से। चुप, गूंगी है तो ऐसे ही छोड़ दूँ क्या? मैं अंधा था तो नेत्रा ने छोड़ दिया, लेकिन मैं उसके जैसा नहीं हूँ। नेत्रा कैसे दिखती है, तुझे कैसे पता? इससे भी ज्यादा खूबसूरत होगी तो मुझे क्या, मैं तो इसे ही फिक्स कर रहा हूँ। क्या ये सब क्या है? वहाँ मर्डर करके आए हो और यहाँ कॉमेडी कर रहे हो। पकड़े गए तो सेक्शन 497 के आधार पर 14 साल तक जेल, करते रहना कॉमेडी। हाँ वकील साहब, 497 तो नाजायज संबंध की धारा है। मेरा मतलब है कि 376 लग जाएगा। वो तो रेप केस होता है। तो कौन सा सेक्शन है वो तू ही बता दे। अकॉर्डिंग टू द इंडियन पिनल कोड, मर्डर हो तो 302, अटेम्प्ट टू मर्डर में 307 होता है। अरे यार, क्राइम करते हो और सेक्शन जान लेते हो, अपने आप को कामना भटमलानी समझते हो क्या? कामना भटमलानी नहीं भाई, वो राम जेठमलानी है। और वैसे भी इस शहर में किसकी हिम्मत है जो भाई को अरेस्ट करेगा? जाओ, भाई से मिलने के लिए परमिशन लिए क्या? चलो। अरे वाह बाप जी, मर्डर करके यहाँ आके तुम बिरयानी खा रहे हो? सर, एक बहुत बड़ा हीरो मेरा बाप है। लोग कहते हैं कि श्रीदेवी मेरी बीवी है। यहाँ हर किसी को कुछ भी कहने का राइट है सर, लेकिन उसके लिए सबूत चाहिए ना सर। ये ले पढ़। पढ़ के सुना रहे वकील। अरे तुम चिकन बिरयानी नहीं खा रहे हो, मोर का मांस खा रहे हो। है कौन से? मोर का मांस? ए, मोर का मांस खा रहा तू? 6 महीने की सजा होगी और जमानत भी नहीं मिलेगी। इन 6 महीनों में मैं तेरे खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करके तुझे हमेशा के लिए अंदर करवा दूंगा बाप जी। अरे किसने मुझे मोर का मांस दिया? क्रिमिनल सिर्फ क्राइम के बारे में सोचता है और पुलिस उनसे भी एक कदम आगे सोचती है। चल। अरे यार ये क्या हो गया? पूरी दुनिया को जीतने वाला अलेक्जेंडर बुखार से मर गया। इतने लोगों को मारने वाला, देखो एक मोर मारने के केस में अंदर जा रहा है। आप कुछ करो ना सर। तो करना ही पड़ेगा, सेक्शन 490 के हिसाब से अभी। अब जाने दो, आज रात को मैं किताब पढ़ूंगा और कल सुबह बताऊंगा। इडियट, देखकर नहीं चल सकते हो क्या? सॉरी। सॉरी क्या? सॉरी बोलोगे तो चलेगा? छोड़ो ना, ये सॉरी बोल रहा है ना तो मैटर खत्म हो गया, अब चलो यहाँ से। क्यों छोड़ दो इसे? तुम्हें इसे सबक सिखाना चाहिए और तुम मुझे कह रहे हो? अरे तुम भी ना। क्यों रे, तुम्हारे पास आंखें नहीं है क्या? रक्स कर। मुझे क्यों बुलाया बे? अबे इसका बे 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 पूरा ड्रामा है। तो हमने भी तो ड्रामा किया था ना। इतना चीट किया मुझे? तो हमने भी तो चीट ही किया था ना भाई। हेलो, उसे छोड़ो, मुझसे ही बात करो। तुम जैसे धोखेबाज से तो मैं बात नहीं करूंगा। तो तुमने क्या किया? मेरा गिफ्ट मुझे ही वापस दिया। अरे तो उस समय मेरी पोजीशन बहुत ही टाइट थी ना, मैं क्या कर सकता था? हाँ सिस्टर, तभी मोदी जी ने पुराना नोट बंद कर दिया था। देखो तुमने भी गलती की, मैंने भी गलती की, हिसाब बराबर। काय का हिसाब बराबर? बा, 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 बा। इसका मतलब पता है, मेरा इस दुनिया में तेरे अलावा कोई नहीं है। बा, 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 बा। इसका मतलब जानती हो, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी। जो भाषा तुमने 30 दिनों में सीखी है वो मैं 3 दिनों में सीख चुका हूँ। तुमने क्या किया, क्या किया बोलो? नहीं,
आज तेरी आंखें इसकी वजह कौन है पता? डॉक्टर हिडिंबे। वो नहीं, यही है। तुम्हें दुनिया दिखाने के लिए इसने बहुत परेशानी उठाई है यार। तुम्हें आंखें दिलाने के लिए डीन के हाथ पर जोड़े साथ में रहकर ऑपरेशन करवाया। मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने तुम्हें हेल्प की है, फेवर किया है, इसलिए तुम मुझसे प्यार करो। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। सुपर, सुपर। Hey, तुम प्यार में तो जीत गए, तो फिर आंखें निकालना क्यों चाहते हो? ठीक उसी वक्त मेरी लाइफ में एक विलन ने एंट्री मार ली। चलो बाय। जो मैं चाहता हूँ वो देखकर तुम जा सकती हो। बिल्कुल नहीं। कम से कम तीन। ज्यादा बात की ना तो एक दूंगी। बाय। अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। मेरे डाली को जिसने पैदा किया ना, उसे तो प्रणाम करना चाहिए। तो देर किस बात की, मुझे ही प्रणाम कर लो। सर आप उसका बाप हूं मैं। चप्पल से मारूंगा। कौन है बे तेरा ससुर? आफ्टर ऑल 3-4 हजार रुपए लड़कियों से भीख मांगता फिरता है और तू मुझे अपना ससुर कहता है? वो पैसा नहीं है सर। पर तू तो 3 कह रहा था। मतलब गले मिलना। मतलब भाग। और 4 का मतलब क्या है? AISS। AISS किस, किसे किस करना? नहीं सर वो किशमिश है। बेटा चालाकी मत दिखा। तूने किस मांगा है पब्लिक प्लेस पर? तू किसी लड़की से किस मांगेगा? सर एक पिता के हिसाब से ये गलत है, लेकिन अगर एक लवर होकर ये सब नहीं किया तो ये तो उससे भी बड़ी गलती होगी। ये बताओ तुम करते क्या हो? जॉकी हूँ सर। जॉकी? मतलब तुम रोड पर अंडरवियर बेचते हो? छी, रेडियो जॉकी हूँ सर। सैलरी कितनी है? कट होकर हाथ में 15,000 आ जाते हैं सर। अभी तक सेविंग कितनी की है? अरे कुछ नहीं सर। यानी फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोचा? आंखें मिले मुझे 1 महीना हुआ है सर, अभी इतनी जल्दी कहाँ से सोच लूँ। छी, मुझे तो तेरे अंदर एक भी क्वालिटी ऐसी नहीं दिख रही जो अपनी बेटी का हाथ तुझे दूं। लव करता हूँ सर, उससे ज्यादा और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? अरे वाह, इतना बड़ा आशिक है तू? हाँ। तो फिर आजा बेटा, देख लेता हूँ तुझे। ब्लड सैंपल देकर आओ। ब्लड? वो क्यों? बीपी, शुगर, अल्सर, कैंसर, HIV, ये बीमारियाँ कहीं तुम्हारे शरीर में तो नहीं है, ये जानना है मुझे। HIV मुझे क्यों होगा सर, मैं तो जेंटलमैन हूँ सर, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है। पर मुझे तो है। क्या? डाउट। लड़की का बाप हूँ भाई, पैसे तो है नहीं तुम्हारे पास, कोई बीमारी तो नहीं है, ये मुझे कंफर्म करना है। बस इतना ही ना? हाँ करना है। क्लीन यू का सर्टिफिकेट दूंगा, आप देख लेना। देखता हूँ। सिस्टर बोलिए सर। इस हॉस्पिटल में जितने भी टेस्ट होते हैं ना वो सब मुझे करवाने हैं। ओके सर। क्लीन सर्टिफिकेट परफेक्ट है, देख लो देख लो। ओके नेक्स्ट टेस्ट। इस जगह को जानते हो? हाँ जानता हूँ। एक गुंडे की कीमत यहाँ 24,000 है। ये बताइए आपकी कितनी है और दहेज में मुझे कितनी दोगे? बड़ा शयाना है तू, मैं तुझे यहाँ जगह देने के लिए नहीं लाया, तो? दौड़ाने के लिए लाया हूँ। भागो। फिटनेस टेस्ट फिनिश। अभी 19 राउंड बाकी हैं। 19 राउंड्स? रात को आप पीने वाला राउंड समझ रहे हो क्या? ये ऐसे नहीं मानेंगे। हेलो। अगर तेरा बाप शादी के लिए रेडी नहीं होगा तो तू मेरे साथ भाग सकती है क्या? पापा मानेंगे तो ही शादी होगी। और नहीं माने तो? नहीं तो किसी और से शादी करनी होगी। पासा पलट गया ना। बीच में ड्रिंक ब्रेक भी नहीं है क्या? हाँ बिल्कुल, आराम से बैठकर पियो, लेकिन शर्त यह है कि गिनती फिर से शुरू होगी। अगली बार मैं रुकूंगा ना तो मुझे चप्पल से मारना। गुड बॉय। बीस राउंड पूरे हो गए तो अब चल जाएगा ना? चला लूंगा, थोड़ी बहुत फिटनेस है। अब नेक्स्ट। नेक्स्ट इतने आराम से चलाएगा तो हम घर कब पहुंचेंगे? बहुत थक गया हूँ सर। अबे तू साइकिल नहीं चला रहा है, बाइक चला रहा है। मेरा दामाद ड्राइविंग में चैंपियन होना चाहिए। एक्सीलरेटर बढ़ा दिया ना तो साइलेंसर तो बन जानी चाहिए। तो ऐसा है तो आप देखिए सर। ए
दारू पी के पुलिस की गाड़ी को ठोकता है? दारू पानी भी नहीं पीने मिला मुझे, अब वो ब्रेक फेल हो गए हैं सर। ऐ जानबूझकर ठोका है, बोलना क्या उखाड़ लेगा ये? अरे चुप रहिए, मैं बात कर रहा हूँ। श्रीनिवास। यस सर। बाइक को जब्त कर लो। ओके सर। कल कोर्ट में फाइन भर के छुड़ा लेना। सर 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 सर। ऐसे गेट आउट। चल। इस कुलकर्णी को वो पैदल चलवा रहा है, मैं उसे लंगड़ा करके चलवाऊंगा। क्या कहा सर? सुना नहीं? मैंने कहा उसे लंगड़ा बनाकर घर भेजूंगा। अभी तुम जाकर उसके कार का ब्रेक निकाल दो। अरे वो पुलिस व्हीकल है सर। कोई भी सिर्फ बॉडी बनाने से बाहुबली नहीं बनता, उसके लिए हिम्मत चाहिए। जाओ प्रूफ करो, ये है तुम्हारा आखिरी टेस्ट। ये कैसा टेस्ट है सर? नहीं करना है? ठीक है छोड़ो। हाँ रुकिए रुकिए रुकिए, करना तो पड़ेगा ही ना। ओके ओके नो प्रॉब्लम। मैं निकलता हूँ। काम हो गया। गुड बॉय। मैं खुश हुआ बस। कल सुबह घर पर आ जाना। शादी कहाँ करनी है, कितने लोगों को गेस्ट के रूप में बुलाना है, कितना खर्चा आएगा, बैठकर सब डिस्कस करेंगे। हाँ सर। अभी सर नहीं बेटा, ससुर जी कहो ना। ससुर जी। ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी। तुम मेरे घर में घुस आए हो और ये गेटअप क्या है? ट्रेडिशनल होना चाहिए ना, शादी की बात करने आया हूँ। शादी? कौन है ये नमूना? दादी है क्या? वैसे अंकल ने मुझे इनके बारे में अब तक कभी बताया नहीं है। बीपी कितना है? 190 है क्या? इसे उतारो और नॉर्मल में लेकर आओ, कल अपने बच्चे होंगे तो ये खिला सकती है ना। मैं आपका होने वाला दामाद हूँ, आशीर्वाद दीजिए सासू माँ। क्या हो रहा है? जानता हूँ, कभी कभी 1000 के नोट से ज्यादा 100 की वैल्यू होती है। नेत्रा। संतूर मम्मी। ये कौन है? मुझे आशीर्वाद दो सासू माँ। एक बात बताऊँ, आपकी बेटी से ज्यादा आप खूबसूरत हो, इसे कॉम्प्लीमेंट समझकर एक कॉफी लेके आइए ना। अभी लेके आती हूँ, बहुत ज्यादा हो रहा है, डैडी ऊपर ही है। तुम क्यों टेंशन ले रही हो? मैंने सारे टेस्ट पास किए हैं, अब तो सिर्फ हमारी शादी होगी। यकीन नहीं हो रहा क्या? अपने पापा से पूछ लो। ससुर जी। पापा ऊपर हैं। अरे मेरे मोटे साले, तू मेरे पास रहेगा ना तो तेरे साथ खेलने में बहुत मजा आएगा। अंकल अंकल अंकल। ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तू यहाँ पे क्या कर रहा है? वो मैं नेत्रा के फादर से मिलने आया हूँ सर। बोलो। नहीं सर, उसके फादर से बात करूंगा। मैं ही हूँ नेत्रा का फादर, बोलना। आप किसी दूसरे नेत्रा के फादर होंगे, जरा याद कीजिए ना। अब किससे मैं प्यार करती हूँ? पूरी दुनिया में यही मिला। डैडी, तो ये तुम्हारे डैडी है? तो कल मेरे जिसने टेस्ट लिए और शादी की बात करने के लिए जिसने घर पे बुलाया वो कौन है? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? सच कह रहा हूँ नेत्रा, उनके कहने पर ही मैंने इनके गाड़ी के ब्रेक काटे थे। मेरी गाड़ी का ब्रेक तुमने? सर 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 नहीं सर, सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, उसके कहने पर मैंने ये सब किया था। कौन है वो? वही सर जो मेरे साथ में था ना, आपने भी तो देखा। तुम्हारे साथ में कोई भी नहीं था। गुड मॉर्निंग सर। आओ सिनू, पहचाना इसे? यस सर, रात को इसकी गाड़ी की चाबी लेकर भेज दिया था। और भी कोई था इसके साथ? शायद कोई था सर। सोच कह रहे हो, कोई नहीं था इसके साथ? हाँ सर। नहीं नेत्रा, तुम्हारे पापा कुछ ज्यादा ही नखरा दिखा रहे हैं। कल वो मेरे साथ हॉस्पिटल भी गया था, मेरा ब्लड टेस्ट भी करवाया, चाहो तो प्रूफ कर सकता हूँ। ऐसा क्या? हाँ ऐसा क्या? वही प्रूफ करूंगा, वही प्रूफ करूंगा डैडी, वही प्रूफ करूंगा मैं। चल मेरे साथ। सिस्टर। ओके सर, बोलिए। मेरा ब्लड टेस्ट की फाइल आपने ही दी थी ना? हाँ सर। सी सी, कल मेरे साथ एक आदमी भी था ना? कोई नहीं था सर, आप अकेले ही थे। आप यूं ही बड़बड़ा रहे थे तो मैंने सोचा कोई प्रॉब्लम होगा। हाँ सर, मैंने भी ऐसा ही सोचा। अरे मुझे क्या प्रॉब्लम होगा, उनके कहने पर ही तो मैंने सारे टेस्ट करवाए। वो बोल रही है तेरे साथ कोई भी नहीं था, फिर भी ड्रामा क्यों कर रहा तू? कोई नहीं था ना, अभी प्रूफ करता हूँ। सीसीटीवी फुटेज निकालिए। हेलो, तुम्हारे रिसेप्शन का सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। ओके सर। हाँ यही प्ले करो। जी सर। अब समझ में आया तुझे? ये कंफर्म पागल है, इसके साथ कोई भी नहीं है फिर भी अकेले बातें करता है। चल चल। नेत्रा नेत्रा,
सुनो नेत्रा, मैं सच कह रहा हूँ नेत्रा, कल मेरे साथ रंजित कुलकर्णी नाम का आदमी था। क्या नाम बताया? रंजित कुलकर्णी। रंजित कुलकर्णी? कुलकर्णी? हाँ दादी, एक मिनट, मैं अभी आई। तुम इन्हीं के बारे में बोल रहे हो? हाँ यही तो था। तुम्हें पता भी है क्या, इन्हें मरे 2 महीने हो गए और इन्हीं की आंखें तुम्हें मिली है। अब इस पागल से क्या बात कर रही है? ए, मेरी बेटी अगर किसी गरीब से भी प्यार करेगी ना तो भी सोचूंगा मैं, लेकिन एक पागल को उसके पास भी नहीं आने दूंगा। अगली बार मेरी बेटी के साथ दिखाना, शूट कर दूंगा तुझे। चलो का बाप हूँ भाई, मेरा दामाद ड्राइविंग में चैंपियन होना चाहिए। ससुर जी कहो ना। आत्मा हूँ मैं दामाद जी, मैं दामाद। क्या तुमने सफर किया आत्मा के साथ? मजाक कर रहे हो? सच में सर, ये देखिए सर, यही है। तो तुम्हारा कहना है यही है वो आदमी? फिजिकल टेस्ट, मेंटल टेस्ट क्यों करवा रहे हो? आपको तो बस 2-3 डाउट है सर, मुझे तो लाखों डाउट है। कौन सॉल्व करेगा उसे? किससे पूछूं इसके बारे में? कर्मों का फल है सब। समझ गया, इस आत्मा के डर से तुम आंखें निकालना चाहते हो। ये क्या कह रहे हैं सर, इतने सालों बाद आंखें मिली हैं, तो अब इतनी छोटी सी बात के लिए मैं अपनी आंखें कैसे निकाल सकता हूँ? तो फिर आंखें निकालना क्यों चाहते हो? उस दिन से मैं जो देखता था मुझे डर लगता था। देखकर इतना डर क्यों रहे हो? मैं भी तो तुम्हारी ही तरह हूँ, फर्क इतना है कि तुम जिंदा हो और मैं मर गया हूँ, बस इतना ही। सीधे सीधे बताओ ना, तुम भूत हो लेकिन मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? वो इसलिए बेटा कि तुम जिन आँखों से देख रहे हो वो मेरी मैं तुम्हारे अलावा और किसी को नहीं दिखूंगा। इसे कहते हैं आई रिलेशनशिप। लेकिन मुझे लाइफ लॉन्ग टॉर्चर करोगे क्या? नहीं करूंगा, बस मेरी 2 ख्वाहिशें उसे पूरा कर दो तो मेरी आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी और तुम्हें टॉर्चर से मुक्ति। समझ गया, अच्छे से समझ गया। मतलब आपके नाम पर अन्नदान करवाना है और फिर पूजा करवानी है, बस इतना ही ना? बस समझ लो कुछ ऐसा ही है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं एक मंदिर के पुजारी को जानता हूँ, 100 रुपया दो तो जितना चाहे मंत्र पढ़ेगा। अन्नदान की बात करो तो वैजाग में भिखारियों की कमी है क्या? खामोश, तुम अब वही करोगे जो मैं तुम्हें बताऊंगा। अन्नदान करना है तो 5,000 में हो जाएगा, तो 1,00,000 रुपए किस लिए? बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। पहले तुम अपनी बाइक तो रोको, यहाँ का शाही खाजा बहुत बढ़िया। शाही खाजा? उसके लिए इतना दूर आना था क्या? यहाँ शाही खाजा कहाँ मिलेगा? दरअसल मेरे एक दोस्त को शाही खाजा बहुत पसंद था, मेरे मरने से पहले उसने मुझसे मांगा था, मैं मर गया उसे खिला नहीं पाया, अब सोच रहा हूँ कि उसे खिला ही दूँ। समझ गया, सेंटिमेंट्स है ना? है? अभी लाता हूँ। ये भूत तो भोला भाला है जो शाही खाजा लाने के लिए बोल रहा है। ए रुको, क्या चाहिए? शाही खाजा चाहिए। शाही खाजा? पापा, कोई आया है, शाही खाजा मांग रहा है। वो आ रहा है। कितने भेजा है तुम्हें? रहीम भाई,
रहीम भाई 1 लाख लगेगा शाही खाजा के लिए 1 लाख। इसीलिए तुम्हें 1 लाख रुपए लाने को कहा था। अरे मेरी बात तो सुनिए। अगर तुमने ये काम किया तो 2 ख्वाहिशों में से 1 पूरी हो जाएगी। ये किससे बात कर रहा है? पैसा दो, ये पैकेट ले गया। ये लो, संभाल कर ले जाना। पता नहीं वो लॉयर भाई को कब निकालेगा, अभी तक बेल नहीं मिली क्या? उस लॉयर को कोट पहनकर सेल्फी लेने के अलावा कुछ भी नहीं आता भाई। बस बस यहीं पे रोको रोको। ये कौन सी जगह है? अरे उससे तुम्हें क्या, बस मेरा नाम बताकर जाकर दे आओ। ये दूंगा तो चले जाओगे ना? मेरे एक और दोस्त को मैसूर पाक देना है, उसके बाद में चला जाऊं। उसका कितना लाख लगेगा क्या पता? कहां फंस गया मैं? ए रुक जा, भाई से मिलना है। क्या काम है? ये लीजिए। क्या है इसमें? शाही खाजा, भाई को पसंद है ना? हाँ ठीक है ठीक है। भाई कुलकर्णी ने भेजा है, बोलना याद से बोलना। चल जा अभी। हाँ जी। भाई कोई कुलकर्णी आया था, शाही खाजा दिया है। अरे जल्दी आओ ना, स्टार्ट करो। चलो जल्दी स्टार्ट कर रहा हूँ यार। अरे क्या हो गया, ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? होगी, आप भूत होकर भी इतनी जल्दबाजी किस लिए? एक बात बताऊं तुम्हें, तुमने उन्हें शाही खाजा नहीं दिया है तो क्या? सर 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 सर, मुझे कौन मारना चाहता है? सर बॉम्ब था, ये मैं नहीं जानता था सर। सर तू मुझे मारना चाहता है? मैं नहीं जानता सर, वो सब काम उस आत्मा का है। कांड ले दूंगा। सर 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 मुझे छोड़कर कहाँ भाग गए थे? अरे भाई भागता नहीं तो मैं मर नहीं जाता। अरे तुम तो ऑलरेडी मर चुके हो ना। अरे हाँ यार, मैं तो टेंशन में भूल ही गया। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? क्यों? शाही खाजा की जगह बॉम्ब देकर अंदर भेज दिया, थोड़ी देर और होती तो मैं भी मर जाता। डायरेक्ट मारने के लिए कहता तो मारता क्या, इसीलिए मुझे ये प्लान बनाना पड़ा। मतलब तुम्हारी 2 ख्वाहिश 2 मर्डर्स? मतलब वो मैसूर पाक, वो अगली स्वीट डिश? इम्पॉसिबल, जितना भी ट्राई करो मेरे हाथों से दूसरा मर्डर नहीं करवा पाओगे। अरे 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 मेरे बेटे ऐसा मत कहो, जब बाप जी के बारे में पता चलेगा फिर ऐसा नहीं कहोगे। वैजाग सिटी में उसने और उसके गैंग वालों ने बहुत पाप किए। एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैं उसके सारे काले कारनामों का पर्दाफाश करना चाहता था। लाइट नहीं है, फिर भी फोटो अच्छी आई है। तेरे 2 रुपए के पेपर के लिए मेरे 200 करोड़ के माल को पकड़वाना चाहता है तू, ये गलत बात है। वो 2 रुपए का पेपर ही है जो गलत करने वाले को चाहे वो CM हो या फिर PM सड़क पर ला देता है, तैयार रहना। ए, इसके पास और क्या क्या है चेक करो। ए, ए, कैमरा। अरे काशी नहीं चाहिए ये। अब तुम ही मुझे बताओ, जिन लोगों ने मेरी जान ली है उन्हें मारना गलत है क्या? हाँ।
सो गए क्या? सॉरी सर, कहानी सुनते मुझे नींद आ जाती है। हाँ? मेरी आप बीती, तुम्हें कहानी लग रही है? आप बीती, अगर ऐसा कुछ है तो अपने बेटे बेटी को बताइए ना। सॉरी, उसका कोई चांस ही नहीं है क्योंकि मैं बैचलर हूँ। अब जो भी करना है तुम्हें ही करना होगा। अभी मैं एक टेंशन से बाहर निकल कर आया हूँ, तो मुझे दूसरा टेंशन मत दो। मैं दूसरा मर्डर नहीं करूंगा। ब्लास्ट में इनकी मौत हुई है सर। किसने मारा इन लोगों को? कुलकर्णी नाम है। पर्स और फोटो के अलावा और कुछ नहीं मिला है भाई। दिखने में तो बच्चा लगता है लेकिन बहुत ही शातिर है भाई। सर, कोर्ट का टाइम हो रहा है, चलिए। गंगा भाई, सारे गैंग की लिस्ट तैयार करो, इसके बारे में इंक्वायरी करो। मेरे जेल से बाहर आने तक ये जिंदा नहीं बचना चाहिए। मर्डर किया? मैंने नहीं किया यार, वो ट्रिगर दबा रहा था, मैंने गन उसकी तरफ कर दी, बस वो मर गया। अबे उसे मर्डर कहते हैं, तू वहाँ गया ही क्यों था? अरे मैं नहीं गया, ये मुझे वहाँ लेकर गए थे। बड़े बड़े कांड करके कैसे आराम से टीवी देख रहे हैं, देखो। मैं टाइम पास करने के लिए टीवी नहीं देख रहा, तुम्हारे हाथों से अगली डिश कैसे तैयार करवानी है रेफरेंस के लिए देख रहा हूँ। तूने देखा ना अभी भी किस तरह से बातें कर रहा है। अबे मैं क्या देखूं, किसे देखूं, समझ में नहीं आ रहा है। ये बता तू बात किससे कर रहा है? वही यार, कुलकर्णी जिसकी आंखें मुझे लगी हैं। आंखें देने वाले कुलकर्णी से? उसकी आत्मा। आत्मा? हे भगवान, इसे आंखें दे दी, दिमाग बंद कर दिया क्या? ए, तू बोल रहा था वो सपना था, आज ये कुलकर्णी कहाँ से आ गया? अबे तेरे इस पागलपन की वजह से लगता है मेरी जान चली जाएगी। अबे मुझे क्या बोल रहा है, उनको बोल ना तू, एक और मर्डर करना चाहते हैं। धर्मा आईपीएस यहाँ क्यों लेकर आया बे? अगला टारगेट ये है क्या? नेत्रा से मिलना है यार, मुझे पागल समझकर उसके बाप ने उसे बंद करके रखा है। एक बार देख कर आता हूँ ना। अबे मुझे जीना है यार। प्यार के लिए बहुतों ने अपनी जान दी है दोस्त। अबे प्यार के लिए प्यार वाले मरे, साथ में उसका दोस्त क्यों मरे? मैं 10 मिनट में आता हूँ। अबे सुन सुन मेरी बात सुन, योर लव यू गो, आई नो आई डाई। गौतम क्या हो गया है तुम्हें? डैडी को लगता है तुम पागल हो, तुम्हें मरा हुआ आदमी दिखाई देता है। वो ना, तुम हॉस्पिटल में ऐसे बिहेव क्यों कर रहे थे? तुम सच में पागल हो क्या? ए, ऐसा कुछ नहीं है, अचानक आंखें मिल गई है ना, तो इमेजिनेशन की वजह से ये सब हो रहा है। अब सब परफेक्ट है। अब तो तुम ठीक हो ना? मेरे लिए कुछ नहीं है क्या? नहीं। कुछ तो रखा ही होगा ना? नहीं। कुछ तो दो। हक करने के लिए 30 सेकंड्स, किस करने के लिए 2 मिनट, 15 मिनट से अंदर है, उससे आगे तो नहीं निकल गया। ये कैसी आवाज थी? कोई आवाज नहीं थी। सच में? ओपन गंगनम स्टार, गंगनम स्टार। हेलो। अबे 20 मिनट से अंदर है, क्या कर रहा है बे? जल्दी नीचे आ वरना कार्टून जाग जाएगा। तू भी ऊपर आ जा। पापा आपकी गन। तुझे मना किया था फिर भी मेरी बेटी से मिलने के लिए क्यों आया तू? उसे देखे बिना मैं मर जाता, इसलिए आया सर, मैं सच कह रहा हूँ। मेरी इतनी हिम्मत? अरे अभी कुछ मत कीजिए, मेरी सारी उम्मीद इसी लड़के पर तो है। पहले मेरा काम हो जाने दीजिए, तब तक सबर रखिए, उसके बाद इसके टुकड़े टुकड़े कर देना, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। बकवास बंद करो। ए, किससे बात कर रहा तू? और किससे सर, आपकी बेटी से। वो तो कुछ नहीं बोली। हाँ तो उसके बोलने से पहले ही मैं बता रहा हूँ ना सर, इस पागल से तूने कैसे प्यार किया। हाँ सर मैं पागल हूँ, लेकिन आप जो सोचते हैं वैसा नहीं, आपकी बेटी के लिए पागल हूँ मैं। ये फील करता हूँ इसलिए मैं पागल हूँ सर, और मेरा प्यार आप समझ नहीं पा रहे इसलिए आप पागल हैं। हाँ तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। हाँ। वो तेरी बेटी से इतना प्यार करता है और तू उसे पागल कह रहा है? तुझे पता है जवानी में तेरे पिताजी मुझसे मिलने के लिए नमक सत्याग्रह छोड़कर वापस आ गए थे। बासी चावल के लिए सत्याग्रह छोड़ दिया और उन्होंने मेरे लिए। चुप करो, ये पागल नहीं है ऐसा तुम बोल रही हो ना? ए, एक हफ्ते तक तू यहाँ पे रहेगा, सब लोग तुझे ऑब्जर्व करेंगे, स्पेशली मैं। अगर तूने ऐसी ऐसी कोई हरकत की, अकेले में बड़बड़ किया ना, तो मैं तुझे पागल खाने भिजवा दूंगा।
और तुझे इसे हमेशा के लिए भूलना होगा। ए, शर्त मंजूर है क्या? आहा, क्या कंडीशन रखी है तेरे ससुर ने। अब तेरा रिमोट मेरे हाथों में, मैं जो भी कहूंगा वो तुझे करना होगा, नहीं तो इन सब की नजरों में मैं तुझे पागल बना दूंगा। ए पागल, वहाँ क्या देख रहा है तू? शर्त मंजूर है। यही तो मैं चाहता था। अबे पागलपन की हद हो गई है, सुबह मर्डर कर दिया, अब इसे चैलेंज कर दिया, तेरे चक्कर में मेरा क्या होगा भगवान ही जाने। ए, ये पागलपन नहीं है, ये प्लानिंग है। अभी मेरा सेफ रहना, मेरा प्यार सक्सेस होना, मैं यही चाहता हूँ। उस कुलकर्णी को कैसे सबक सिखाना है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। ये फिर से कुलकर्णी का नाम ले रहा है। ओह गॉड, व्हाट इज दिस टॉर्चर? आप यही है क्या? हाय अंकल। ए, ये सब क्या है? ये महेश्वरी देवी, ये पंचम्मा और ये है चामुंडी देवी। चामुंडी देवी, ए मेंटल, दरगाह पे भी जाना चाहिए था ना? वो तो इधर है अंकल। देखा भगवान में कितना विश्वास है इसका। इसको विश्वास नहीं, डर कहते हैं दादी। इसको घर समझा या तांत्रिक अड्डा? निकाले। निकाल दो बेटा, तांत्रिक लग रहे हो तुम। सब कह रहे हैं ना, निकाल दो। निकाल दो तो वो आ जाएगा। कौन आ जाएगा? शनि। तू क्या कम है, शनि भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। निकाल। मुझसे बचने की कोशिश कर रहा था, आ गया ना लाइन पे। ये रूम देखा इसको? ए, तुम नहीं बेटा, तुम जाके दिखाओ। ये तुम्हारा रूम। आहा, आत्माओं की पसंदीदा जगह, रामसे का सेट लग रहा है। तुम जरा चुप रहो। ए, इसे कोई रूम कहता है? ये तो डंपिंग यार्ड है। इतना अच्छा तो है, यहाँ पर कुछ तो स्मेल आ रही है। मेरा बेड सुसु किया था। इस बेड पर सोने से तुम्हें अपने बचपन की याद आएगी। अरे यार, कोई इंसान यहाँ रह सकता है क्या? तुम्हें इमेजिनेशन करने की बहुत आदत है ना, तो एक काम करो, इस सोफा को बेड समझो, इस खिड़की को एसी समझो और इस टैप वाटर को बिस्लेरी वाटर समझो। तुम्हारे साथ कोई आत्मा है ऐसा सोचने के बदले मेरी बहन तुम्हारे साथ है ऐसा सोचो, तब सब अच्छा लगेगा। सर कॉफी। ए मुझे दे। तुमने पी लिया ऐसा सोचो। ए, मेरे साथ आ। ठीक है। छी, ये भी कोई जिंदगी है? उसे मार कर तुम हीरो बन सकते थे और इस साइज जीरो के चक्कर में मजाक बनकर रह गए हो। तुम कुछ भी कहो, मैं एक और मर्डर नहीं करूंगा और ना ही तुम मुझसे करवा पाओगे। जो करना है वो कर लो। तुम जिंदा हो तब तुम्हारे अंदर इतनी जिद है, तो मैं तो मरा हुआ हूँ, सोचो मुझ में कितनी होगी। देखता हूँ तुम कैसे उसे नहीं मारते हो, मैं भी देखता हूँ। बेटा पूरी लो ना। नहीं चाहिए। बड़ा दूर क्या? अरे मैं नहीं खा रहा हूँ। चक्कर में हूँ मैं बड़ा, भूत से पाला पड़ा। चक्कर में हूँ मैं बड़ा, भूत से पाला पड़ा। इंसानों से टकरा गया ये भूतों का राजा। मैं तो उसके बस में हूँ, वो मेरे बस में नहीं। मैं तो उसके बस में हूँ, वो मेरे बस में नहीं। मैं जाता हूँ जहाँ जहाँ वो आता है वहीं। हर जगह वो दिखता है,
माइंड मेरा खिसका है, हर जगह वो दिखता है, माइंड मेरा खिसका है, कैसे सुनाऊं किसे बताऊं दास्तां मेरी। क्या हुआ? उजड़ी हुई रियासत के लुटे हुए सुल्तान, मेरी इज्जत जा रही है, पता नहीं चल रहा है। अरे मेरे तो प्राण चले गए, मैं किसे बताने जाऊं। अरे तुम तो वार्म अप मैच में ही इतना थक गए हो, अभी तो खेल शुरू भी नहीं हुआ। देखो ये सब मुझसे नहीं होने वाला, दोनों मिलकर कोई समझौता कर लेते हैं। पहले मेरा प्यार सक्सेस होने दो, उसके बाद तुम्हारे बारे में सोचेंगे। ये तुम जो कर रहे हो ना, ये मैं 30 साल पहले कर चुका हूँ। टोपी मत पहनाओ। सच बोलो तो मान नहीं रहे हो, परेशान करना है मतलब करना है। अरे क्या करूं मैं? देखो मैं अपने प्यार की कसम खाकर कहता हूँ, समझ गए ना? ऐसा है तो मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, तुम्हें अपने प्यार को हासिल करने के लिए हेल्प करूंगा। अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं सताऊंगा। ए पत्ते फेंक। ए, ये कुलकर्णी तुम्हारे गैंग का है क्या? नहीं भाई, कुलकर्णी शंकर के गैंग का नहीं है। जी दीवारों पे क्या लिख रहा है तू? कितने दिनों में बाहर जाएगा उसका हिसाब किताब लिख रहा है तू? तेरा परमानेंट घर यही है। तूने जितने भी काले कारनामे किए हैं ना, उनकी फाइल तैयार है और 4 दिन के अंदर उनको कोर्ट में सबमिट करने वाला हूँ। तू जिंदगी भर यही सड़ेगा। भाई आप उसे जानते नहीं, वो जो बोलता है वही करता है। उसके घर में फाइल है ये मैं जानता हूँ, लेकिन उसे चुराने के लिए उसके आदमी को मैंने खरीदा है ये वो नहीं जानता। कहाँ गई वो फाइल? ये फाइल क्यों चुराने के लिए बोला? अरे वो कार्टून कह रहा था कि ये फाइल बहुत इम्पोर्टेंट है, कल जब वो इस फाइल को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो जाएगा और अपने बाल नोचने लगेगा, तब तुम उसके सामने जाना और बोलना, अंकल यही फाइल है क्या? बाहर पड़ी थी, इम्पोर्टेंट समझकर इसे मैंने अपने पास रख लिया था, ये लीजिए। ऐसा कहते ही उस कार्टून का चेहरा ऐसे खिल उठेगा जैसे मार्केट में किसी को पड़ा हुआ 2000 का नोट मिल जाए। अच्छा, और फिर वो तुमसे शादी कर लेगा। सर अभी भी नहीं समझे? तुम्हें लेकर उसके सारे नेगेटिव वाइब्रेशंस पॉजिटिव में बदल जाएंगे। सर आपकी बॉडी जल गई है लेकिन फिर भी आपका ब्रेन इतना शार्प है। चापलूसी बहुत हुई, फाइल को संभालो। सेफली रख दिया? सेफ है। ये आइडिया बहुत अच्छा है सर। अब बताइए आगे क्या करना है। किससे बात कर रहे हो? अब ब्लूटूथ किशोर है। अच्छा मुझे दो। ठीक है रखता हूँ, बाय बाय। तुमसे बात करनी है। क्या कर रहे हो? तुम्हें भी समझ में आ रहा है क्या? पापा को इंप्रेस नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन पागलों वाली हरकतें बंद करो। कोई भी उसका दामाद अच्छा है या बुरा ये टेस्ट करते हैं, पर पागल वाले टेस्ट की शुरुआत तो तुमसे ही हुई है। ये ऐसे कंटिन्यू रहा तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कॉम्प्रोमाइज तो कर लिया है ना। कॉम्प्रोमाइज किसके साथ? वो वही तुम्हारी मदर, ग्रैंड मदर और तुम्हारा छोटा ब्रदर। अभी सिर्फ तुम्हारे फादर ही बैलेंस है, उनके लिए मैंने एक मास्टर प्लान बनाया है, डोंट वरी। अटेंशन प्लीज, हमारे ब्रांड न्यू मोबाइल को प्रमोट करने के लिए हमने एक सेल्फी कॉन्टेस्ट रखा है। आप लोगों में से जिसकी बेस्ट सेल्फी होगी उन्हें इनाम में 10 लाख रुपए की कार मिल सकती है। हम भी रेडी है। कुलकर्णी, ये कहाँ है? अभी अभी उस तरफ गया है सर। खा के सांड हो रहे हो, तुम में से एक भी उसे पकड़ नहीं पाया? उसका फोन नंबर मिल गया है भाई। ओपन गंगनम स्टार।
हेलो, मैं बोल रहा हूँ बाप जी, मेरे आदमी को मारकर अपनी माशुका के साथ पूरे शहर में घूम रहा है तू, मुझसे पंगा लेके कैसे जी पाएगा तू? तू कहीं भी छुप जा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरी मौत कैसे होगी ये मैं तय करूंगा। वो बाप जी को मेरा नंबर मिल चुका है और वो मुझे बता रहा था कि वो मुझे कैसे मारेगा। ए, अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या है सर वो? इससे पहले कि वो तुम्हें मारे, तुम उसे जाकर मारो। अरे तुम भी ना, तुम्हारे दिल में कोई दया नहीं है क्या? मैं तुम्हें चीख चीख कर कह रहा हूँ कि वो मुझे मारेगा और तुम कह रहे हो मैं उसे मार दूँ। अरे इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। फाइल नहीं मिल रही मतलब? मैंने तो संभाल के रखी थी जी, पता नहीं कहाँ चली गई। बड़ी आसानी से बोल दिया, फाइल नहीं मिल रही है। अंकल वो फाइल मेरे पास है, एक्चुअली बाहर गिर गई थी, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट होगा ये सोचकर मैंने अपने पास रख ली। थैंक यू वेरी मच। जाओ जल्दी लेकर आओ। जाओ। ओके, गुड बॉय। इसमें तो फाइल है ही नहीं। कहाँ गई? गई भैंस पानी में। ये फाइल कहाँ है? फाइल नहीं मिल रही अंकल। फाइल नहीं मिल रही? तुमको उस फाइल की वैल्यू मालूम है क्या? वो फाइल इंपॉर्टेंट है, तुमको कैसे पता? वो सर, चुप, जल्दी बोल। आपको इंप्रेस करने के लिए कुलकर्णी ने ये आईडी दिया था मुझे। कुलकर्णी? वही सर जिसने मुझे आंखें दी हैं। ये आत्मा। सुनो ना, अभी भी आत्मा दिखाई दे रही है, अब तो मानोगी ना कि ये मेंटल है। तेरे पागलपन से वो नीच कुत्ता कमीना हंसते हंसते जेल से बाहर आ जाएगा। एक हफ्ता ये घर में रहा तो ये हाल है, पूरी लाइफ रहेगा तो पता नहीं क्या होगा। नेत्रा मेरी बात मानो, मैं पागल नहीं हूँ नेत्रा, मुझे सच में आत्मा दिखाई देती है। अरे मैं कह रहा हूँ ना कि वो आत्मा मैं देख सकता हूँ। ये बिल्कुल सच कह रहा है, इसका भरोसा कीजिए। एक अच्छे से डॉक्टर को दिखा दो। तेरे जैसा पागल मेरे साथ होगा तो बदनामी होगी। चल निकल यहां से। आत्मा दिखी। गौतम सॉरी यार, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। बस बहुत हो गया। मेरे प्यार और उसके घर वालों के सामने तुमने मुझे पागल बनाया। वो गुंडा कलिया परसों मुझे मार देगा। आंखें मिलने के बाद मैंने क्या क्या सोचा था, लेकिन एक भी काम होने दिया तुमने? तुम्हारा क्या? अरे तुम तो मर चुके हो, अपना प्यार खोने का गम क्या होता है ये तुम जानते हो? लेकिन अब नहीं, ये आंखें ही सारी प्रॉब्लम है ना, अब ये आंखें ही नहीं रहेंगी। निकाल दूंगा इन्हें। ए, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? 25 साल में अंधा ही था, आगे भी ऐसे ही जी लूंगा। तुम्हारी आंखें मुझे नहीं चाहिए, कल ही निकाल दूंगा। ए, गौतम। अब बताइए सर, मेरी आंखें निकालना सही है या नहीं? अरे यार तुम्हारी बात काफी अटपटी है, मेरे तो गले नहीं उतर रही है। तो ये सोचो, वो लोग ये बात कैसे मानेंगे? देखो, ये फैसला जल्दबाजी में नहीं ले सकते, तुम कल मिलो फिर सोचते हैं। सोचना नहीं है सर, काम पूरा होना चाहिए। सुनो, तुम रहते कहाँ हो? MBB कॉम्प्लेक्स। चलो मैं ड्रॉप करता हूँ। नहीं सर, मैं चला जाऊंगा, चलता हूँ सर। कैसे हो डॉक्टर, बड़े दिनों बाद मेरी याद आई। गौतम के बारे में बात करनी है। अरे वो पागल है, उसके बारे में क्या बात करनी है? जरूरी बात है, अचानक एक आदमी पागलों की तरह बिहेव करता है, उसके पीछे कोई बड़ी वजह हो सकती है। वैसे ही गौतम के केस में क्या वजह है ये पता चल गया है, आत्मा। यस, सच में गौतम को आत्मा दिखती है। आत्मा कैसे दिखेगी तू बता मुझे, तू डॉक्टर होके बिलीव करता है इन बातों पे? हाँ करता हूँ, क्योंकि अभी भी साइंस के पास काफी सारे सवालों के जवाब नहीं है। असल में गौतम के बारे में तुम कितना जानते हो? अगर आत्मा सच नहीं है तो ये बताओ उस कुलकर्णी के बारे में कैसे पता चलता? आत्मा दिखती है ऐसा कहकर लोगों के सामने पागल बनने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही कह रहे हो,
यही उसे समझ नहीं पाया और उसे पागल कहकर टॉर्चर करता रहा। वो तुम्हारी बेटी को ना देखे, यही थी ना कंडीशन? जो आंखें उसे ना देख पाए उन आंखों का क्या फायदा, इसीलिए वो मेरे पास आया था अपनी आंखें निकलवाने। एक और बात, अभी तक उसने जितनी भी गलतियां की हैं वो अपनी मर्जी से नहीं की है, उसी आत्मा ने उससे करवाई है। ओपन गंगम स्टार। हेलो गौतम, एक गुड न्यूज है। क्या है सर? तेरा ससुर मेरा दोस्त है, मैंने उससे बात की है, अब तुम्हें आंखें निकलवाने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। ओए! You don't worry, I will take care. रंजीत कुलकर्णी व्यापारी, ये क्या है? ए, रुको रुको। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलिए। ये जर्नलिस्ट है ना? ऐसा लगता है कि जर्नलिस्ट है। अरे भाई ये बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन? मैं एक जर्नलिस्ट था, उसके सारे काले कारनामों का पर्दाफाश करना चाहता था। अच्छा तो वो सब लोग कौन है? वो उनके फैमिली मेंबर्स है सर। फैमिली मेंबर्स? मैं बैचलर मरा था। पिछले महीने फॉरेन से आने के बाद उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। हार्ट अटैक? तो फिर एक्सीडेंट। ओके थैंक यू। कुछ तो गड़बड़ चल रही है। तुम रहते कहाँ? MBB कॉम्प्लेक्स। ड्राइवर MBB कॉम्प्लेक्स चलो। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने काशी भाई को मार डाला? नीचे उतारो इसे। हाय कुलकर्णी मिल गया, ये देखिए। कौन है बे तू? और तूने मुझसे क्यों पंगा लिया? मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है सर। सर मैं तो सीधा साधा रेडियो जॉकी हूँ, आपसे पंगा लेने की मेरी कोई औकात नहीं है। वो तो मुझसे सब आत्मा करवा रही है। भाई बहुत देर से ऐसी ही बकवास कर रहा है ये इतनी आसानी से नहीं बताएगा। मारो इसे और मारो। सर मुझे कुछ नहीं पता है सर। सर प्लीज सर, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे छोड़ दो सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर नहीं सर, सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए प्लीज सर। मार, मैं कुछ नहीं जानता। छोड़ दे उसको।
बता आखिर कौन है तू? पुलिस वाला है? गुंडा है? दुश्मन। दुश्मन हो? मैं तेरा दुश्मन हूँ। उस काशी को मैंने ही मारा है, तुझे नहीं छोड़ूंगा। कोई आत्मा वात्मा नहीं, मैं तुझे ही मारने आया हूँ। तुझे जेल से बाहर मैं ही निकालूंगा। तेरी फाइल मैंने ही चलाई है, तेरी जान भी मैं ही लूंगा। ये सब मेरा प्लान है। लेकिन तू ये सब क्यों कर रहा है? जान जाएगा, मरने से पहले सब कुछ जान जाएगा। इसका मतलब आत्मा नहीं है, मुझे बेवकूफ बनाया है। आजा आजा। सही टाइम पे आए। गौतम, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड। हेलो सर। तुम इसे जानते हो ना? आंखें निकलवाने तुम इनके पास गए थे। वो सब जानता है, बस हम दोनों ही बेवकूफ हैं। थैंक्स अंकल, आपने हमें बहुत सपोर्ट किया। खुश रहो। आपका एहसान कैसे चुकाना है ये मैं नहीं जानता सर। उसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे क्यों बोल रहा है? कुछ नहीं। वहाँ मत बैठो। क्यों? वहाँ कुलकर्णी जी बैठे हुए हैं। हाँ सर, वही बैठे। वहाँ तो कोई नहीं है? नहीं सर। यहाँ बैठ जाइए। ये प्लेट किसके लिए? कुलकर्णी भाई साहब के लिए। मेरी सारी बातों को तुम लोग इतना सीरियस ले लोगे सोचा ही नहीं था। ये क्या बात कर रहे हैं सर, वो तो आपके चाइल्डहुड फ्रेंड है, आप बात कैसे टाल सकते हैं? इसीलिए मेरा इस्तेमाल किया। ये सब आपकी वजह से हुआ सर, आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता था। ए, तुमने जो किया है उसमें मेरा सपोर्ट क्या है? कल तुम मर्डर कर दोगे तो उसमें भी बोलोगे मैंने सपोर्ट किया है? हा? अरे तुम ऐसा मत सोचो, ये तो अपने प्यार के बारे में बोल रहा है। हाँ जानता हूँ, सब जानता हूँ, वो क्या कर रहा है मुझे सब पता है। बेटा, कुलकर्णी जी को दही चाहिए क्या? पूछो ना उनसे। हाँ, दाल के साथ साथ घी भी मांग रहे हैं। घी डालो ना बेटी। ए, तुम, तुम्हें क्या चाहिए वो मांगो। ठीक है सर। खाना खाओ बेटा। मेरा थोड़ा पेट खराब है। इसने पूरी फैमिली को पागल बना दिया है। बेटा, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, जरा बाहर आओगे प्लीज? चलिए ना सर। क्या बात है सर, आपने बुलाया? कुलकर्णी, ये कुछ पर्सनली बात करना चाहते हैं, आप जाइए ना। ए, जान ले लूंगा, मेरा ड्रामा बंद कर। कोई आत्मा वात्मा नहीं है, तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। आखिर तू है कौन? ये सब तो क्यों कर रहा है? मेरे लिए नहीं सर, मेरे फ्रेंड्स के लिए। कैंप में सिर्फ 3 लोग सिलेक्ट हुए हैं और उनके नाम हैं राजू, किरण, दिव्या। ये मेरे फ्रेंड्स अब देखने लग जाएंगे। ये कैसी बात कर रहे हो तुम लोग? हाँ, तुम्हें आंखें नहीं मिल सकती तो हमें भी आंखें नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? हाँ नहीं चाहिए। तुम सिलेक्ट नहीं हुए तो हम भी नहीं जाएंगे। जिंदगी भर ऐसे अंधे रहकर जियोगे तुम लोग? हाँ, हम जिएंगे। मेरा क्या है, मुझे आज नहीं तो कल आंखें मिल ही जाएंगी, और अगर नहीं मिली तो क्या? तुम लोग हो ना मेरी देखभाल करने के लिए, तुम लोगों को जाना ही होगा, तुम्हें मेरी कसम। फादर, मेरे फ्रेंड्स का कोई लेटर आया है क्या? नहीं आया बेटा, उन लोगों के लेटर का मैं इंतजार कर रहा था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ। हे, तुम्हारे फ्रेंड्स के लेटर्स आए हैं। हाँ? ये! उसके बाद कई सालों तक उन लोगों के लेटर नहीं आए, लेकिन मैं उन लोगों का इंतजार करता रहा। फादर,
कोई लेटर आया है क्या मेरे लिए? नहीं आया बेटा, लगता है वो लोग तुम्हें भूल गए हैं। अब तुम भी उन लोगों को भूल जाओ। मैं यहाँ रहूंगा तो उन्हें भूल नहीं पाऊंगा। मुझे भी कहीं दूर भेज दीजिए फादर। आंखें मिलने के बाद मैं प्यार करने वाली नेत्रा को नहीं देखना चाहता था, बल्कि मुझे जो मेरे फ्रेंड छोड़कर गए थे उन्हें देखना चाहता था। उन्हें पकड़कर चाटा मारना चाहता था, और उनसे मिलने का मेरे पास एक ही रास्ता था, बचपन में लिखे हुए उनके लेटर्स। इसके पोस्टल स्टैम्प्स कहाँ हैं? ये लेटर्स आपने ही लिखे हैं ना? बताइए फादर। अरे बेटा मेरी बात मैं नहीं सुनूंगा। क्या किया आपने मेरे दोस्तों के साथ? मैं उन्हें अभी के अभी देखना चाहता हूँ। अभी तुम उन्हें जैसे देखना चाहते हो ना, वैसे ही जब उनकी आंखें ठीक हुई थी तो वो तुम्हें देखना चाहते थे। हम गौतम के पास जाएंगे तो वो कितना खुश होगा ना? हाँ, मैं सबसे पहले गौतम को देखना चाहती हूँ। हेलो फादर, हम आ रहे हैं फादर। सबसे पहले हम गौतम को देखना चाहते हैं। हम आ रहे हैं, उसे बताना मत, सरप्राइज है। तो फिर तुम लोग जल्दी आ जाओ। मुझे बचा लो भाई, वरना वो लोग मुझे। अंकल, 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 तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से याद रहेगा। हम किसी को नहीं बताएंगे अंकल। आंखों की यही तो प्रॉब्लम है, ऐसा वैसा सब देखना पड़ता है, पर जो भी देखा इधर उधर उसे बताना पड़ता है। सही कहा ना काशी? हमें मत मारिए, हमें छोड़ दीजिए अंकल, प्लीज। हम किसी को नहीं कहेंगे अंकल, प्लीज अंकल, अंकल प्लीज। उधर जाके देख रहे, यहाँ नहीं है भाई। चलो चलो चलो। दिव्या, दिव्या गई है।
यहाँ पर क्या हुआ है तुझे समझ आ गया होगा। अगर तू पुलिस में कंप्लेन करेगा तो ये बाप जी तेरे ब्लाइंड स्कूल को बॉम्ब से उड़ा देगा, इतना तो याद रखना। इनकी मौत के बारे में जानकर तुम्हें बहुत दुख होता, इसीलिए मैं चाहता था कि तुम इन्हें भूल जाओ, और तब मैंने लेटर लिखना बंद कर दिया। गौतम, आंखें नहीं मिली तो वो लोग भी नहीं देखना चाहते थे, आंखें मिलते ही मुझे ही देखना चाहते थे। और अगर मुझे ऐसे फ्रेंड्स के लिए कुछ करना है तो उस बाप जी को मुझे मारना ही होगा। तब से मैंने मौत से डरना छोड़ दिया और जिंदगी से आशा भी छोड़ दी। सिर्फ एक ही मकसद है सर, उसे जिंदा नहीं छोड़ना है, उसे मैं मार डालूंगा। अंकल उसे लाइफ लॉन्ग जेल में रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैं समझ गया। वो अंदर रहा तो मैं उसे नहीं मार पाऊंगा। उसे बाहर लाना है तो उस फाइल को गायब करना है, और अगर उस घर में जाना है तो अंदर जाने का एक ही रास्ता है। नेत्रा, मैं जब अंधा था तो जिससे प्यार करता था ये वही लड़की है। मुझे लगा भगवान मेरा साथ दे रहे हैं, लेकिन नेत्रा मुझे पापा से कब मिला रही हो? नो, मुझे बहुत डर लगता है। तभी मैं सोच रहा था कि क्या करूं, और मुझे उस कुलकर्णी की याद आ गई जिसने मुझे आंखें दी थी। मुझे आंखें देकर आपने एक सच सामने लाया है, और उस सच को न्याय दिलवाना है तो मुझे आपकी मदद लेनी पड़ेगी। से आपकी आत्मा मेरे साथ ही रहेगी, मैं बस ऐसा नाटक करने वाला हूं मेरे साथ रहने वाले सबको पागल बनाने के लिए। मैं खुद ही पहले पागल बना, उस बाप जी के सामने भी मैंने कुलकर्णी का नाम लिया। नाम कुलकर्णी, काम मेरा बदला मेरा, लेकिन मैंने सारे इल्जाम कुलकर्णी पर डाल दिए। आत्मा की वजह से मुझे घर में एंट्री मिली, उस आत्मा की वजह से मैं फाइल चुरा पाया सर, और उसी आत्मा की वजह से मैं काशी को मार पाया हूँ। हाँ, पर तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो? मेरा भाई, माँ, दादी और ये मेरे डैडी। तो फिर ये कौन है? डॉक्टर आशीष अंकल, मेरे डैडी इन्हें बहुत मानते हैं। तभी आपके बारे में पता चला, वो आत्मा मेरे साथ है ये बात उन लोगों को मनवाने के लिए। पहले ये बात आपको मनवानी होगी। क्या दिमाग है तुम्हारा, पर तुम्हें लगता है कि इस प्लान से तुम बाप जी को मार पाओगे? और वैसे सर, वो कल रिहा होने वाला है। कुलकर्णी की आत्मा तुमको छोड़कर जाए, उसका सिर्फ एक ही रास्ता है। वो जानना चाहोगे? क्या है सर वो? खत्म कर दो उसको। तो मैं कैसे मार सकता हूँ सर? तुम ही मारोगे, वो शरीफ इंसान नहीं है, गुंडा है वो। खत्म कर दे उसको। चल डॉक्टर। मैं नहीं मार पाऊंगा सर। सरकारी वकील आरोपी बाप जी के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाए, इसीलिए उन्हें बाइज्जत रिहा किया जा रहा है। हेलो, जेल में रहकर बहुत एंटरटेनमेंट मिस किया मैंने। सही टाइम पर मिली है तेरी माशूका। इसी टेंशन को लेकर आजा मुकेश मिल में, आजा। मैं उस कुलकर्णी को मारने वाला हूँ। नहीं मार पाओगे। क्यों? वो पहले ही मर चुका है। मर गया है? तुमने ही तो उसे मारा है। मैंने कब मारा उसको? मारा है काशी ने, और पाप जी के कहने पर, यानी तुम।
नाम तो मैच हो रहा है लेकिन सीन मैच नहीं हो रहा है भाई। तू अपना मुंह बंद रख टकले। ए, ये क्या बोल रही हो? अगर काशी ने कुलकर्णी को मारा तो फिर कुलकर्णी काशी को कैसे मारेगा? इंसान की मौत होती है, आत्मा की नहीं। ये सब आत्मा कर रही है। आत्मा आत्मा आत्मा। हे भगवान। भाई मेरी बीवी ने फिश करी बनाई है, मैं घर पे जाऊँ? ये सच, ये सब आत्मा ही कर रही है। आत्मा नहीं सर, भ्रम है। ये कौन है बे? उस कुलकर्णी का सिम कार्ड इसी के नाम पर है भाई। क्यों बे, तू कुलकर्णी का दोस्त है? नहीं सर, गौतम का दोस्त हूँ। तो फिर कुलकर्णी कौन है? वो गौतम का दोस्त है। मतलब तुम सब दोस्त हो ना? वो क्या है सर, मैं दिखने वाला दोस्त हूँ, वो ना दिखने वाला दोस्त है। ये क्या भौंक रहा है तू? मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ सर। ये मैं हूँ, ये आप है, ये काशी है सर और ये गौतम है सर। तो कुलकर्णी? कुलकर्णी है ही नहीं सर। वो मुझे सबके बारे में बता रहा लेकिन कुलकर्णी के बारे में क्यों नहीं बता रहा भाई? उसने मेरे आदमियों को क्यों मारा ये बता, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। उसने मतलब कौन सर, कुलकर्णी या गौतम? अरे कुलकर्णी बे, कुलकर्णी कैसे मारेगा? असल मैटर ये है कि कुलकर्णी ने मारने को बोला तो गौतम ने काशी को मारा और नाम बताया कुलकर्णी का। मतलब वो क्या है कि काशी को मारने वाला कुलकर्णी है लेकिन हम गौतम को ढूंढ रहे हैं सर। अबे ये क्या बक रहा है तू? आपको समझ नहीं आया? चलिए फिर से क्लियर करता हूँ, जो काशी मर गया वो अब जिंदा नहीं होगा। कुलकर्णी को मरना चाहते वो पहले ही मर चुका है। और आप एक बात सुन लीजिए, मुझे मार कर फायदा ही नहीं है। ये बात समझे बिना आप मुझे उठा कर ले आए। कुलकर्णी का है, कुलकर्णी का है। अरे मैं कहाँ से लाऊंगा कुलकर्णी को? क्या बात कर रहा है तू, सारा नशा उतार दिया तू, वापस पी ले टकले। ये सब गौतम का भ्रम है। नहीं आत्मा है। नहीं भ्रम है, आत्मा भ्रम है। अरे लड़ाई बंद करो, क्या परेशानी है? तुम दोनों मियां बीवी के जैसे क्यों झगड़ा कर रहे हो? अच्छा मान लेता हूँ कि कुलकर्णी एक आत्मा है या फिर एक भ्रम है, फिर भी वो कुलकर्णी बार बार हमें क्यों दिखाई देता है बताओ? तुम्हें दिखाई दे रहा है? जरा दिखा तो। है चल दिखा। हाँ आँख खोल के देखो, ये गौतम है बे टकले। उसकी जब से आंखें आई है तब से कुलकर्णी दिख रहा है, तुम सबको मार दूंगा यही बोलता है। वो सच नहीं है, ये सच है। ए, तू चुप रह। मतलब गौतम किससे पहले आंखें नहीं थी क्या? नहीं सर, वो बचपन से शारदा देवी ब्लाइंड स्कूल में पढ़ा है सर। कौन सा स्कूल? शारदा देवी ब्लाइंड स्कूल। हम शारदा देवी ब्लाइंड स्कूल में रहते हैं अंकल। 15 साल पहले मैंने उसके दोस्तों को मारा था और इसलिए मुझको मारने के लिए उसने इतना बड़ा प्लान बनाया। गौतम! उसे कुछ नहीं पता, वो बेगुनाह है। ए, उसे क्यों मारता है बे? ए, आउट, 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 आउट। वो मेरे आदमियों को मारेगा, मुझसे पंगा लेगा तू। मरने से पहले तुम्हारे दोस्त ने मुझसे बहुत भीख मांगी, तुम्हें देखना चाहते थे मगर मैंने उन्हें जान ही नहीं दिया। तुम लोगों को अलग करके बहुत बड़ी गलती की मैंने। अभी मैं तुझे भी उनके पास भेज देता हूँ, वो लोग भी हैप्पी, तू भी हैप्पी। तेरी दोस्त दिव्या कैसे मारा था उसे पता है? ये देख, ऐसे ऐसे उसकी गर्दन को पकड़ कर। ऐसे मरोड़ दिया था जैसे मुर्गी की गर्दन को मरोड़ते हैं। अरे ये अंधेरे में क्या चल रहा है टकले? जैसे मगरमच्छ की ताकत पानी में होती है वैसे इसके अंधेरे में है। भाई मेरे बच्चे का ट्यूशन से छूटने का टाइम हो गया है, मैं जाऊं क्या? फोन निकाल भाई और एक एक करके अपने सब आदमियों को फोन कर। ठीक है भाई।
बनाने में इतना टाइम क्यों लगाया? बाप रे, ये तो गया। हाँ, ये मुझे क्यों फोन कर रहा है? कहाँ है तू? कहाँ है तू? मैं तुझे मार दूँगा। मार दूँगा मैं तुझे। कहाँ है तू? कहाँ है तू? कहाँ है? बता कहाँ है? मेरे दोस्तों ने भी ऐसी भीख मांगी थी ना तुझसे। हम अंधेरे में ही पैदा हुए थे, अंधेरे में ही खाया था, अंधेरे में ही घूमे थे, कभी ना कभी इस दुनिया को देखेंगे ऐसा सोच रहे थे। नहीं, नहीं। इस दुनिया में तुझ जैसे नीच कमीने कुत्ते होते ये पहले से ही पता होता तो हम कभी आंखें नहीं लगवाते, उसी अंधेरे में रह जाते। उनको आंखें मिलने के बाद वो मुझे देखना चाहते थे। वो लोग मुझे कितना चाहते थे वो तूने देखा है, तो उन्हें भी मैं कितना चाहता हूँ ये भी देख ले। मुझे आप कुछ भी बोलो, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा कुलकर्णी, मैं नहीं मार पाऊंगा। तू किससे बात कर रहा उधर? नहीं सर, प्लीज सर, मैं नहीं मार पाऊंगा। मेरे पास सुन, कुलकर्णी जो बोल रहा हूँ कर दे। नहीं सर, बाकी मैं संभाल लूंगा। नहीं सर, क्या नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता। आखिर तुमने मुझे खूनी बना ही दिया, अब खुश हो ना? सर मुझे अरेस्ट कर लीजिए प्लीज सर। तुम चुप करो, तुम्हारी कोई गलती नहीं। वो कुलकर्णी की आत्मा कहाँ है मुझे बताओ। मुझसे भी बड़ा बकरा है ये। ए, कुलकर्णी, काम हो गया ना? चलो जाओ अभी यहाँ से, जाओ। मेरे दामाद को परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। जाते हो कि नहीं? जाओ नहीं तो शूट कर दूंगा। सर देखिए ना, कुलकर्णी जा रहे हैं, देखिए ना उन्हें कितना दुख हो रहा है। सर वो मदद के लिए थैंक्स बोल रहे हैं। सर 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 उन्हें बाय कीजिए सर। बाय बाय कुलकर्णी जी, बाय बाय। कोई आत्मा नहीं है सर। बाय कीजिए सर, बाय कीजिए। बाय 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 टाटा। आखिरकार तुम्हारा प्लान कामयाब हो गया। दोस्त मैंने बहुत देखे पर तुम्हारे जैसा नहीं। मेरी क्रिएट की हुई आत्मा मुझे ही दिख रही है, ये तो वहम है, ये सब मेरा वहम है। हो गई तेरी कॉमेडी, दो एक घुमा के। मतलब तुम आत्मा हूँ मैं, तुमने मुझे क्रेडिट कार्ड की तरह इस्तेमाल किया है, धोखा दिया है तुमने मुझे, इसीलिए मैं समाधि से उठकर बदला लेने आया हूँ तुझसे। मैंने क्या किया सर? क्या किया है तुमने? मेरी आंखें तो ले ही ली, मेरे नाम पे मर्डर भी कर दिया और पुलिस को बेवकूफ बनाते रहे। नहीं छोड़ूंगा। मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, आपका नहीं किया। मैं तो पहली बार आत्मा को देख रहा हूँ सर। अच्छा, मतलब मेरे हेल्प के बिना तुमने बाप जी को मारा है, ये सोच रहे हो क्या? जरा रील को पीछे घुमाओ। अगर उस वक्त मैंने तुम्हें बचाया ना होता तो तुम इस सुहाग सेज पर नहीं बल्कि समाधि में लेटे होते। अच्छा ऐसा क्या? थैंक यू सर। उसकी जरूरत नहीं है, तुम ही रख लो। आपका एहसान इस जन्म में नहीं चुका पाऊंगा ये कह रहा हूँ सर। बिल्कुल चुका सकते हो और इसी जन्म में चुका सकते हो। वो कैसे? सब लोग यही सोचते हैं कि मैं हार्ट अटैक से मरा हूँ पर मेरा प्री प्लान मर्डर हुआ है। मर्डर? यस, बिजनेस डील में धोखा देकर मुझे मार दिया गया। वो कोई और नहीं, दुबई का एक बड़ा डॉन है, जाफर खान। उसका क्या? तुम उसका मर्डर करो। क्या कहा? फिर से मर्डर? क्या बात है, झटका लगा है तुम्हें नौटी कहीं के? झटका तो लगा है
और इतना तगड़ा झटका है कि सुहाग रात के बारे में साल भर नहीं सोचेगा।